ओके, okay, सो so अगर हम देखें तो हमारे लिटरेचर पोर्शन की जो टू बुक्स हैं तो सेकेंड बुक को अभी साइड में रखते हैं जो मेन बुक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट इट हैज़ अराउंड इलेवन चैप्टर्स और हर एक चैप्टर में कभी कोई एक पोएम गिवन है कभी टू पोएम्स गिवन है या फिर आपको एक चैप्टर में आई थिंक कोई भी पोएम गिवन नहीं है क्लियर तो हमें पूरे चैप्टर को कवर करना है लाइन बाय लाइन हम समझेंगे कि हर एक लाइन का मतलब क्या है देन वी विल कवर द समरी ऑफ ईच चैप्टर एंड देन फाइनली इन अ सेपरेट वीडियो वी विल सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशंस दैट इज ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी में गिवन है हम हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन देखेंगे वो वेदर ग्रामर पोर्शन का है कुछ फिगरेटिव लैंग्वेजेस का है या फिर मेन जो चैप्टर है उस पर बेस्ड

और ये दोनों ही पोएम्स लिखी हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तो हम आज देखने वाले हैं कि वॉट डज इट मीन्स अ लेटर टू गॉड एंड ऑल्सो वट इज गिवन इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस क्लियर तो हमारे हर एक लाइन को प्रॉपरली समरी के साथ देखेंगे फाइनली पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन एक पूरी समरी देखेंगे एंड देन फाइनली हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए सॉल्व करेंगे क्लियर सेकेंड चैप्टर है मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और इसी के अंदर आपको गिवन है अ टाइगर इन द जू पोयम क्लियर तो हम इस चैप्टर को जब कवर करेंगे देन वी विल आल्सो कवर द पोयम अ टाइगर इन द जू

The next chapter, the fifth chapter is the hundred dresses one. और इसी का part two आपको given है as the next chapter, which is the hundred dresses two. Clear? और ये जो आपका hundred dresses one fifth chapter है, इसके अंदर आपको कोई भी poem given नहीं है. But जो आपका second part है, that is the hundred dresses two. इसमें आपको एक poem given है, which is animals.

नेक्स्ट इज द सर्मन एट और इसी के अंदर आपको पोएम गिवन है फॉर एनी ग्रिगोरी क्लियर एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज द प्रपोजल जिसके अंदर आपको कोई भी पोएम गिवन नहीं है तो अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल आपको इलेवन चैप्टर्स हैं इनके विद इन आपको कहीं पे टू कहीं पे एक पोएम है और दो चैप्टर्स हैं वन इज द हंड्रेड ड्रेस इज वन एंड वन इज द प्रपोजल जिसके विद इन आपको कोई भी पोएम गिवन नहीं है सो दिस इज द कम्प्लीट बुक ऑल द चैप्टर कम्प्लीट आउट लाइन जो कि हमें कवर करना है फॉर आर फर्स्ट बुक विच इज फर्स्ट फ्लाइट क्लियर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि देखो स्टोरीज पढ़ने वाले हैं उन स्टोरीज में राइटर या ऑथर क्या कहना चाहते हैं विद इन द लाइन हम रीड करेंगे कि भाई वॉट डज ऑथर वॉन्ट टू टेल आस बाय राइटिंग द कंप्लीट स्टोरी वट एवर द रिस्पेक्टिव स्टोरी इज उस स्टोरी में उस राइटर या ऑथर ने क्या हमें समझाने के लिए भाई इतनी बड़ी स्टोरी लिखी है सो इट वुड बी वेरी फन सो लेट सी वॉट इज द फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड तो आज हम बिगिन करने वाले हैं द फर्स्ट चैप्टर विच इज अ लेटर टू गॉड अब जब नाम सुन रहे तो ये बहुत ही अजीब है राइट एक तो किसको लिख रहे हो लेटर गॉड को क्लियर अब आपको कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसे ये पता हो कि भाई गॉड का एड्रेस क्या है जब आप पोस्ट करोगे लेटर तो so ऑब्वियसली आपको एक एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा राइट तभी तो वो एड्रेस पे लेटर जाने वाला है तो गॉड का भाई कौन सा एड्रेस है ये किसी को नहीं पता बट इन दिस स्टोरी द प्रोटैगनिस्ट यानी जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का वो कौन है भाई लेंचो क्लियर इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है लेंचो हु हु इज इज अ अ फार्मर आई शुड पुअर फार्मर और वो जो है गॉड को एक लेटर लिखने वाला है क्लियर अब ये जो फार्मर है लेंचो ऐसा क्या होता है भाई उसके दिमाग में ऐसा क्या आता है कि उसको लगता है कि मैं गॉड को एक लेटर भेजूंगा और मुझे एक आंसर भी जरूर आएगा यानी कि हम देखने वाले हैं कि किसी इंसान का कितना ज्यादा फेथ हो सकता है कितना ज्यादा विश्वास हो सकता है किसी पे भी क्लियर तो आप इस स्टोरी में देखने वाले हो कि जो हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है द प्रोटेगनिस्ट लेंचो उनका जो फेथ है गॉड पे वो कितना ज्यादा है और अगर जब उनको ऐसा लगता है कि जब वो लेटर भेजने जाते हैं गॉड को तो ही इज मोर देन श्योर डेफिनेटली कोई ना कोई आंसर उनके लिए आने वाला है क्लियर तो इस चैप्टर में हमें एक पूरी स्टोरी देखनी है कि एग्जैक्टली exactly ऐसा क्या हुआ कि लेंचो को को लेटर लिखना पड़ा गॉड वो क्या चाहता था लेंचो क्या चाहता था गॉड से यानी व्हाट 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 वाज दैट थिंग विच ही नीडेड फ्रॉम गॉड वो पूरा लेटर हम देखेंगे क्लियर एंड फाइनली क्या होता है क्या गॉड उस लेटर का रिप्लाई करते हैं नहीं करते हैं तो क्या लेंचो का फेथ ब्रेक हो जाता है दिस इज एवरी थिंग दैट वी नीड टू कवर इन दिस चैप्टर क्लियर अब इस चैप्टर के एंड में आपको टू पोएम्स गिवन है वन इज डस्ट ऑफ द स्नो एंड फायर एंड आइस क्लियर अब ये दो पोएम्स जो है हम सेपरेटली इन अ सेपरेट वीडियो कवर करेंगे ऑल्सो जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है वो चैप्टर के बीच बीच में गिवन है और एट दी एंड आपको जो क्वेश्चन गिवन है ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बट दैट टू इन अ सेपरेट वीडियो

ऑफ़ द पोएम ऑफ द चैप्टर इन फैक्ट जिनका नाम है जी एल फ्लुएंटिस क्लियर सो लेटर टू गॉड इज स्टोरी रिटर्न बाय जी एल फ्लू जी एल का मतलब क्या है तो लोपेस फ्लुएंटिस जो है ये है ऑथर ऑफ द चैप्टर लेटर टू गॉड of a farmer's extreme faith in God. अब ये story है क्या भाई ये story है about a farmer हु इज लेंचो क्लियर अब लेंचो की ये स्टोरी है जो कि हमें डिस्क्राइब करने वाला है कि लेंचो का जो एक्सट्रीम फेथ है बहुत ज्यादा हद तक जो उसका विश्वास है भगवान में इसके बारे में आपको ये स्टोरी में पढ़ना है The writer G.L. Fluentes has tried to depict the faith of the poor and simple farmer in God in an impressive manner. अब ऑथर का एक बहुत ही बढ़िया काम किया है भाई ऑथर क्या होता है एक अगर हम बोले एक ब्यूटिफुल पीस ऑफ राइटिंग अगर हमको देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑथर्स लाइक जीएल फ्लूंट राइट तो वो जब हमें एक स्टोरी को एक इम्प्रेसिव मैनर में बताते हैं वहीं पे आपको स्टोरी पढ़ने में मजा आता है और ये स्टोरी भी आप लोग बहुत इंजॉय करोगे जस्ट बिकॉज जीएल इन अ वेरी इंप्रेसिव

अगर डिलीवर नहीं कर पाया तो फिर क्या लेंचो का फेद ब्रेक हो जाएगा राइट right? तो ये सारी चीजें हमें देखनी है इन द स्टोरी तो फाइनली हम बिगिन करते हैं द स्टोरी विच इज लेटर टू गॉड सो बिफोर यू रीड अब आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट इसमें आपको एक आउटलाइन गिवन है कि पहले आप ये स्टोरी पढ़े उससे पहले आपको क्या करना है ये कुछ लाइन देखनी है लेंचो इज अ फार्मर लेंचो कौन है भाई द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी राइट right? ये है क्या द प्रोटैगनिस्ट जिसे आप कह सकते हो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी क्लियर तो जो मेन कैरेक्टर आपकी स्टोरी के वो कौन है लेंचो क्लियर लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूएट क्या हुआ है भाई लेंचो एक पुअर फार्मर है जो कि एक लेटर पोस्ट करते हैं एक लेटर लिखते हैं गॉड के लिए क्यों लिखते हैं आर ख़राब हो जाना destroyed. तो जो लेंचो है भाई फार्मर है तो बहुत डिफरेंट क्रॉप ग्रो करता होगा राइट right? बट ऐसा समय आया है कि जब क्रॉप जो है फसल जो है लेंचो ने जोगाई है वो कंप्लीटली रुइंड हो गई है कंप्लीटली डिस्ट्रॉइड हो गई है क्लियर आस्किंग फॉर अंड्रेड पैसों अब फाइनली जब क्रॉप्स रुइंड हो गए हैं तो भाई लेंचो का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा राइट और ऑलरेडी हम जानते हैं कि लेंचो एक पुअर फार्मर है गरीब किसान है तो उसका जितना भी नुकसान हुआ होगा वो सब उसको भरने के लिए वो भरपाई करने के लिए उसके पास पैसे तो होंगे नहीं राइट तो जो लेंचो है वो डिसाइड करता है कि भाई मैं गॉड को एक लेटर लिखूंगा जिसमें मैं उनसे पैसे मांगूंगा कितने पैसे 100 पैसोस ये सब आपको डिटेल पता होनी चाहिए क्योंकि जब आप आंसर्स लिखते हो सो इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर विथ ईच एंड एवरी डिटेल तो आपको क्या है प्रॉपर आंसर फॉर्म करने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्लियर तो सबसे पहली चीज हमें पता है कि हमारे चैप्टर का मेन कैरेक्टर है लेंचो जो कि है एक पुअर फार्मर और इसने लेटर लिखा है गॉड को टू आस्क हंड्रेड पैसोस डज लेंचोस लेटर रीच गॉड पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए दिया है भाई ताकि हमें क्या है वो क्यूरोसिटी रहे कि आगे क्या हुआ इन द चैप्टर राइट तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है आपको क्या लगता है क्या वो लेटर गॉड तक पहुंचेगा नंबर टू डज गॉड सेंड हिम द मनी और अगर वो लेटर पहुंच गया तो क्या भगवान क्या गॉड उसको पैसे भेजेंगे हंड्रेड पैसों लंचों को भेजेंगे थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चन वुड बी एंड गेस द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट अब हमें क्या क्या बना यहाँ पर कि भाई इसके पहले आप मेन स्टोरी में जम्प करो आप इन क्वेश्चन को सोचिए और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है आगे स्टोरी में क्या हुआ होगा राइट तो अगर हम एक जनरलाइज वर्जन देखें अगर कोई भी कॉमन मैन यहाँ पर अगर ये स्टोरी पढ़ता है इतना सा भी पैराग्राफ तो सामने वाला क्या बोलेगा कि भाई ये एक मजाक है राइट क्योंकि आप लेटर लिख ही नहीं सकते पहली बार तो गॉड को राइट इफ यू राइट अ लेटर यू कैन सेंड इट क्योंकि वो एड्रेस किसी के पास नहीं है अगर हम ये मान भी लें चलो ठीक है एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि स्टोरी में अगर हमने लेटर लिखने का माना है और लेटर जो है हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं कि भाई इसको डिलीवर करना है और एड्रेस भी हम कुछ ना कुछ लिख देते हैं राइट right? तो डेफिनेटली वो लेटर उस एड्रेस पे पहुंचने का मतलब ये नहीं होता कि वो लेटर गॉड तक पहुंचेगा राइट right? तो अगर हम अपना कॉमन सेंस यूज करें तो हमें तो यही लग रहा है कि भाई स्टोरी में ऐसा होना चाहिए कि लेटर गॉड के पास जो है जाएगा नहीं इस वजह से कभी लेटर का रिप्लाई वापस लेंचो के पास नहीं आएगा और फाइनली हर एक कॉमन इंसान की तरह लेटर right? लिख रहा हूं तो डेफिनेटली आंसर मुझे मिलेगा राइट right? बट ये बिल्कुल क्या बोल सकते हो फैक्ट है प्रैक्टिकल थिंग है कि बिल्कुल भी लेटर का रिप्लाई नहीं आने वाला है और लेंचो का जो स्टोरी का एंड है वो यही होने वाला है कि लेंचो उसका दिल टूट जाएगा एंड बी लाइक मुझे अब कोई फेथ नहीं है गॉड पे राइट तो ये हमारे हिसाब से स्टोरी है जो कि होनी चाहिए बिकॉज हमें बोला है कि भाई आप खुद एक गेस करो एक स्टोरी तो इट्स गुड थिंग राइट एक ब्रेन एक्सरसाइज हो गई सो नाउ वी आर रेडी टू जम्प इन टू द स्टोरी और अब हमें देखना है कि एक्जैक्टली जीएल फ्लू हमारे ऑथर हैं उन्होंने स्टोरी को किस तरीके से लिखा है क्लियर सो लेट्स में एग्जैक्टली क्या होता है द हाउस द ओनली वन इन दैली सैट ऑन द्रेस्ट ऑफ अ लो हिल क्या लिखा है भाई घर की बात हो रही है और यह घर कहा है ये अकेला एक घर है उस पूरी में। एक हिल के क्रेस्ट पे लोह हिल यानी कि बिल्कुल नीचे की तरफ एक हिल बनी हुई है हाई हिल नहीं है बहुत लो हिल है और उस हिल के क्रेस्ट पे अब क्रेस्ट का मतलब क्या होता है टॉप ऑफ अल ठीक है तो जब आप अगर हिल को इमेजिन करो तो इस हिल के ऊपर का जो पॉइंट है जो क्रेस्ट है इधर से आपको वो घर दिखता है ठीक है फ्रॉम द हाइट सी द रिवर अब यहां पे क्या है हाउस है किस पे हिल के बिल्कुल क्रेस्ट पे टॉप ऑफ द हिल पे अब इस घर में अगर आप खड़े होते हो या फिर आप इस क्रेस्ट पे जाके खड़े होते हो तो आपको क्या दिखता है वहां से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न क्या क्या चीजें दिखने वाली है पहली चीज एक रिवर एक नदी दिख रही है दूसरी बात आपको एक राइपकॉर्न का खेत दिख रहा है फील्ड दिख रही है अब कॉन क्या होता है भाई कॉन जिसे आप भुट्टा कहते हो हिंदी कॉन ये होता है तो इसका खेत है दिस मीन्स भाई लेंचो किस चीज की खेती करता है लेंचो इज अ फार्मर विच हु ग्रोज कौन? ठीक है तो लेंचो का घर जो है वहां पर आप खड़े होते हो तो वहां से आपको एक रिवर और एक राइप कॉर्न की फील्ड दिखती है गुड हार्वेस्ट और यहाँ इस फील्ड में आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं यानी कि आपको कॉर्न की फील्ड दिख रही है और वहां पे बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स दिख रहे हैं और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमेशा एक गुड हार्वेस्ट यानी हमेशा एक बहुत अच्छी फसल उगती है ठीक है द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड अ अ और शार यानी आपके पास सब कुछ है यहाँ अगर देखो तो एक ब्यूटीफुल सी वैली है वहां पर एक हिल है लंचो के पास एक घर है वहां से उसको रिवर भी दिखती है ठीक है और फील्ड है उसकी यानी रिवर है तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है और ये जो फील्ड है यहाँ पर हमेशा एक गुड हार्वेस्ट ही प्रोमिस्ड होता है राइट बट दिस टाइम क्या चाहिए भाई इस बार अर्थ को जो हमारी मदर अर्थ है वहां पर दो चीजों की नीड है या तो एक डाउन पोर हो जाए वॉट इज डाउन पोर डाउन मीन नीचे पोर मतलब क्या होता है जब हम किसी लिक्विड को ऐसे फेंकते हैं राइट तो डाउन पोर का मतलब होता है रेनफॉल क्लियर तो यहां पर डाउन पोर का मतलब है हेवी तो लेंचो जो है उसे क्या चाहिए भाई कि या तो एक डाउन पोर हो जाए यानी बहुत बिल्कुल भारी बारिश हो जाए या फिर क्या हो एक एटलीस्ट अ शार यानी कम से कम थोड़ी बहुत तो बारिश हो जाए क्लियर थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिस फील्स इंटीमेटली नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट अब लेंचो ने सुबह से क्या किया है भाई पूरी सुबह जो है लेंचो ने कुछ नहीं किया सिर्फ एक चीज की वो क्या है कि लेंचो जिसको पता है अपने खेत के बारे में ऑब्वियसली एक फार्मर से बेटर उसके खेत को कोई नहीं जान सकता राइट अ फार्मर कैन प्रिडिक्ट कि कि कितने टाइम में जो है खेती हो जाएगी कितना हार्वेस्ट होने वाला है वॉट वुड ही अर्न प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा राइट तो फार्मर नोज इंटीमेटली यानी बिल्कुल क्लोजली फार्मर को पता होता है अपनी फील्ड के बारे में सेम वे में लेंचो को भी पता है कि भाई उसकी फील्ड का हार्वेस्ट या कंडीशन कैसी है तो लेंचो क्या कर रहा है सुबह से वो सिर्फ एक काम कर रहा है वो क्या कर रहा है वो सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा है स्काई की तरफ देख रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्लियर क्यों देख रहा है भाई स्काई की तरफ क्योंकि उसको एक उम्मीद है या फिर वो चाहता है कि कम से कम थोड़ी बहुत तो बारिश हो जाए ताकि उसकी जो फील्ड है उसे क्या नीड है भाई पानी की नीड है ऑब्वियसली तो वो नीड पूरी हो जाए एंड सो दैट अ गुड हार्वेस्ट कैन बी अगेन सीन दिस टाइम क्लियर नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर अब देखो यहां पर इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन है इसका मतलब ये कोई कॉन्वर्जेशन हो रहा है ठीक है देखते हैं भाई कॉन्वर्जेशन कौन कर रहा है सो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वॉटर वुमन यानी कि यहां पे लेंचो जो है वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि इस बार हमें बहुत कम बारिश देखने को मिलेगी द वुमन हु वॉज प्रिपेरिंग सपर रिप्लाइड अब जो वाइफ है लेंचो की वो क्या कर रही थी वो सपर प्रिपेयर कर रही थी सपर क्या होता है भाई सपर का मतलब होता है डिनर जो रात का खाना होता है उसे आप सफर कहते हो ठीक है तो जो वुमेन है वो क्या कर रही थी वो डिनर प्रिपेयर रही थी और डिनर प्रिपेयर करते करते उन्होंने लेंचो के क्वेश्चन को आंसर किया यस गॉड विलिंग यानी कि हाँ भाई मुझे लग रहा है इस बार हमें जो है थोड़ी बहुत बारिश मिलेगी देखो लेंचो क्या बोल रहा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर यानी लेंचो का फेथ है विश्वास है कि डेफिनेटली थोड़ी बहुत बारिश तो होगी ठीक है और इसी बात पे उनकी वाइफ का भी ये कहना कि हाँ मुझे भी लगता है कि बिल्कुल डेफिनेटली थोड़ी बहुत बारिश होने वाली है और इस चीज के लिए उन्होंने क्या बोला गॉड विलिंग यानी भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा ओल्डर बॉयज वर्किंग इन द फील्ड अब लेंचो की फैमिली में उसकी वाइफ है और उसके बच्चे हैं अब बच्चों की किस क्या बात हो रही है कि जो ओल्डर बॉयज हैं यानी जो बड़े बच्चे हैं लेंचो के वो क्या कर रहे थे वो खेत में काम कर रहे थे वाइल द स्मॉलर व्लेंग नियर द हाउस और छोटे बच्चे जो हैं लेंचो के वो क्या कर रहे थे वो घर के बाहर खेल रहे थे थी, right? She was preparing a dinner. तो उन्होंने क्या किया जो उनके ओल्डर बॉयज है field, और जो उनके यंगर बच्चे हैं जो की खेल रहे थे बाहर उनको आवाज लगाई कि भाई कम फॉर द डिनर खाना खाने आ जाओ इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंटेड क्या हुआ एकदम से कि भाई जब ये खाना खा रहे थे उस खाना खाते जब दौरान उस वक्त क्या हुआ एकदम से वही चीज हुई जो लेंचो ने प्रिडिक्ट की थी ठीक है जो लेंचो ने आ, सोचा था आशा किया था कि हाँ भाई ऐसा होगा बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल और क्या हुआ फाइनली बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिग्न टू फॉल बारिश होने लगी इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स अप्रोचिंग क्या होता है भाई जब बारिश होती है राएट? तो बादल वगैरह दिखते हैं राइट तो यहाँ पर लेंचो को भी दिखा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जहां पे लेंचो पूरी तरीके से देख रहा था सुबह से कि अब बारिश होगी अब बारिश होगी फाइनली कुछ ड्रॉप्स ऑफ रेन देखने को मिली और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या देखने को मिल रहा था कि क्लाउड्स जो है वो क्लोज आ रहे थे एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट और सबसे फेवरेट चीज क्या होती है भाई जब रेनी सीजन होता है तो बहुत ज्यादा इरिटेशन ऑब्वियसली होता है बट बेस्ट चीज क्या होती है कि भाई जो ठंडी हवा जो फ्रेशनेस जो स्वीटनेस फील होती है हमको वेदर की वजह से दैट इज वॉट लेंचू एंड फैमिली कुड ऑल्सो फील क्लियर उट फॉर नो अदर रीजन टू है वो अपना खाना छोड़ के एकदम से बाहर भागा क्यों क्योंकि उसको और कुछ नहीं ऐसा नहीं था कि वो देखना चाह रहा था कि भाई बारिश हो रही है वो तो ऑलरेडी उसको दिख रही है बट लंचो को क्या करना था उसे बाहर जाके उन बारिश की बूंदों को फील करना था ऑन हिस्स बॉडी एंड वेन ही रिटर्न और जैसे ही वो बारिश की बूंदो का मजा लिया फ्रॉम द स्काई ये जो है बारिश की बूंदे नहीं है जो स्काई से गिर रही है दे आर न्यू कॉइन्स बल्कि वो क्या है ये न्यू कॉइंस है ये बहुत ही ब्यूटिफुल डिपिक्चर है देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो रेन ड्रॉप्स नहीं बल्कि न्यू कॉइंस हैं नए सिक्के हैं नए पैसे हैं ऐसा क्यों देखो अगर बारिश नहीं होती तो क्या होता अल्टीमेटली जो पूरी फील्ड है जो क्रॉप्स है सब डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं राइट एंड दैट वुड लीड टू टोटल लॉस राइट और लेंचो की कोई कमाई नहीं होती बट अब जो ये रेनड्रॉप्स हुई है, जो हो रही है इस से बिल्कुल क्या होगा? वैसी ही गुड हार्वेस्ट होगी और लेंचो जो है पैसे कमा पाएगा ही वु एबल टू अर्न सम मनी तो ये जो रेन ड्रॉप है वो अल्टीमेटली क्या कर रही है लेंचो को पैसे कमाने में हेल्प कर रही है तो ये रेनड्रॉप लेंचो ने कॉइन्स से कंपेयर किया है द बिग ड्रॉप are 10 cent pieces and the little ones are

फाइड एक्सप्रेशन आप देखो लेंचो जो है वो सिर्फ एक ही चीज चाहता था कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत शार हो राइट right? एटलीस्ट कुछ रेन देखने को मिले तो obviously, लेंचो का वो जो प्रिडिक्शन था कि हाँ भाई इस बार हमें थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलेगी वो प्रिडिक्शन फुलफिल हो गया राइट सो ही हीड वॉट अटिस्फेक्शन एक्सप्रेशन उसका जो चेहरे पे एक्सप्रेशन था एक होता ना शांति दिखती है चेहरे पे वो लेंचो के चेहरे पे हमको दिख रही थी फील्डीफुलटिस्फाइड एक्सप्रेशन था और उसके साथ उस एक्सप्रेशन के साथ उसने क्या किया ही रिगार्डेड उसने ग्रीट किया थैंक यू बोला राइप कॉन जो उसकी फील्ड है जो राइप क्या होता है जो पक गए थे भुट्टे जो होते हैं कॉन उसकी जो फील्ड है उसके फ्लार्स भी दिख रहे हैं राइट तो फ्लावर्स और जो कोन है इन सबको रिगार्ड्स थैंक यू बोला किसने लंचो ने ड्रेप्ड ड्रेप क्या होता है जो साड़ी पहनती हैं मम्मा जो साड़ीज पहनती हैं उसको हम बोलते हैं साड़ी ड्रेपिंग यानी कि किसी भी तरीके से जब आप बोलते हैं कि एक कवर करते हो उसे आप कहते हो ड्रेपिंग ठीक है तो ये जो फ्लावर्स थे दे वर ड्रेप्ड किससे भाई ढके हुए थे कवर्ड थे इन अ कर्टन ऑफ रेन बारिश के पर्दे से बिल्कुल कवर्ड थे क्या पूरी फील्ड बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विगेन टू ब्लो बट अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था भाई बहुत ही प्यारी रेन ड्रॉप गिर रही थी बिल्कुल ड्रेप था ड्रेप यानी कवर्ड विथ क्लोथ ठीक है तो पूरी तरीके से बारिश के कर्टेन से पर्दे से कवर्ड थे कौन राइस जो कॉर्न फील्ड है और जो उसके फ्लावर्स है राइट बट एकदम से क्या होता है बहुत तेज जो है आंधी तूफान टाइप आ जाता है बहुत तेज हवाएं चलने लगती है एंड अलोंग विध द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स भी गिरने लगे बड़ा हेल स्टोन हेल स्टोन्स कुछ ऐसे दिखते हैं जिन्हें आप ओले कहते हो हिंदी में तो बारिश हो रही थी तब तक तो ठीक था बट अब बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स बहुत बड़े बड़े, बड़े ओले भी गिरने लगे बल न्यू सिल्वर कॉइन्स और अब जो है देखो जो रेनड्रॉप्स थी उनको लंचो ने कंपेयर किया था विद टेन सेंट पीसेस कॉइंस और फाइव सेंट कॉइंस राइट बट अब क्या बोल रहे हैं लेंचो कि ये जो हेल स्टोन्स हैं वो किसकी तरह दिख रहे हैं सिल्वर कॉइंस की तरह राइट right? क्योंकि थोड़ा सिल्वरी सा कलर होता है व्हाइटिश होता है बट आप सिल्वर से कंपेयर करो तो सिल्वर कॉइंस चांदी के सिक्के की तरह कंसिडर किया लेंचो ने इन हेल स्टोन्स को The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen.

और पर्ल्स क्या होते हैं मोती तो ये बिल्कुल ब्यूटीफुल से पर्ल्स की तरह दिख रहे हैं तो ये कलेक्ट करने के लिए जो लेंचो के बच्चे हैं वो भागे क्लियर इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ और अब लेंचो क्या बोल रहा है कि देखो जब तक थोड़े बहुत ओले गिर रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी बट अब कुछ ज्यादा ही ओले गिर रहे हैं तो लेंचो बोल रहा है अब बहुत ज्यादा कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है बहुत बैड कंडीशन होती जा रही एक्सक्लेम्ड द मैन लेंचो ने कहा आई होप इट पासस Quickly. और लेंजो ने बोला जल्द जल्द बट ऐसा नहीं हुआ रेड ऑन दाउस और पूरे एक घंटे के लिए ये हेल स्टोन जो है घर की छत पर गिरते रहे द गार्डन दिल्स पूरे गार्डन में गिरते रहे पूरी हिल साइड जो पूरी हिल्स है वहां पर गिरे द कॉर्न फील्ड पूरी जो खेत था कॉर्न का पूरी कॉर्न फील्ड के ऊपर हेल स्टोन ही की बारिश हो रही थी ऑन द होल वैली या फिर इन शॉर्ट कह लीजिए कि पूरी वैली जो है वहां पूरी तरीके से हेलस्टोन्स गिर रहे थे The field was white as if covered with salt. Again a beautiful comparison कि जो पूरी field थी उस पर क्या गिरे हुए थे हेलस्टोन्स. अब हेलस्टोन्स स्टोन क्या है पूरे वाइटिश राइट तो वो पूरी तरीके से क्या कर रहे थे इस फील्ड को कवर कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो सॉल्ट या नमक से पूरी फील्ड को कवर कर दिया हो। जैसे यहां देखो तो ये है क्या ये फील्ड के ऊपर पर लग कैसा रहा कि सपोज कोई बहुत सारा सॉल्ट जो है वो इस फील्ड के ऊपर डाल दिया गया हो क्लियर ओके नेक्स्ट लेंचो क्या बोलते हैं नॉट लीव रिमेन ऑन द ट्रीज अब देखो हेल स्टोन जो है जो ओले होते हैं बर्फ के वो जब लीव्स पे गिरेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा लीव जो है वो उसका वेट सैन कर पाएगी क्या नहीं तो जितनी बार हेल गिरेंगे वो लीव जो है वो टूट जाएंगे ठीक है तो नॉट अ लीव रिमेंड ऑन द ट्रीज एक भी लीव जो है वो ट्रीज पे नहीं रही द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड जो कॉर्न की फील्ड थी जो भुट्टे थे जो कॉर्न थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गए द फ्लावर्स वर गॉन

वेन द स्टोम है जब ये तूफान जो है वो चला गया यानी हेल स्टोन बारिश ये सब होना बंद हो गई ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिस्स और वो क्या किया लंचो ने वो जाके फील्ड के बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने बेटो से कहा अ प्लैग ऑफ लोकर्स वुड है मोर देन दिस क्या बोल रहे हैं कि लेंचो ने अपने बेटों से कहा कि अगर इस जगह पे प्लैग यानी कि जो एपिडेमिक फैल जाता है यानी लोकस लोकस क्या होते हैं भाई टिडेह कहते हैं वट एवर तो ये जो इंसेक्ट है जो कि कैसा दिखता है कुछ इस तरीके का तो अगर ये बहुत ग्रुप्स में यानी बहुत ज्यादा नंबर में अगर ये लोकस्ट आ जाए तो ये क्या करते हैं पूरी फील्ड में जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं राइट तो यहाँ लेंजो बोल रहे हैं कि अगर हेलस्टो की जगह लोकस्ट का पूरा ग्रुप भी आया होता तो एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ क्रॉप तो छोड़ के जाते यानी हमारा इतना भी एक्सट्रीम नुकसान नहीं होता बट क्या हुआ है द हेल हैज लेफ्ट नथिंग बट जो हेल स्टोन्स गिरे हैं उसकी वजह से तो भाई एक भी लीफ एक भी फ्लावर एक भी क्रॉप जो है वो बचा नहीं है क्लियर दिस ईयर वी विल हैव नो no कॉन। अब जो लेंचो हैं, वो फील्ड में खड़े होकर अपने बेटों से क्या कह रहे थे सबसे पहले तो कि भाई लोकस्ट भी अगर आते तो फील्ड में कुछ तो छोड़ के जाते बट इस बार हेल स्टोन ने क्या किया है उन्होंने पूरी तरीके से क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया है एज ए रिजल्ट भाई क्या होगा अब एक भी कॉन इस बार नहीं मिलेगा दैट नाइट वॉज अ सोरो और उस रात जो है वो कंप्लीट नाइट बहुत ही डिस्टर्बिंग बहुत ही सैड और सोरो से फील थी फॉर लेंचो एंड हिज फैमिली ऑल आर वर्क फॉर नथिंग देखो एक फार्मर को एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं होता कि भाई वो सीड्स स्प्रिंकल कर देते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे कर देते हैं वाटर डालते हैं एंड द जॉब इज डन इट्स नॉट दैट इजी राइट दे हैव टू वर्क फॉर अ लॉट ऑफ डेज लॉट्स ऑफ टाइम राइट बहुत टाइम के लिए उन्हें करना क्या पड़ता है उन्हें प्रॉपरली सीड्स एक प्रॉपर डिस्टेंस पे स्प्रिंकल करने पड़ते हैं उसके पहले दे हैव टू प्लो द फील्ड राइट फिर उन्हें वाटर स्प्रे करना है इंसेक्टिसाइड डालना है किस तरीके से वीड्स वगैरह कट करने है? तो एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है और वो इतनी सारी मेहनत जो है अगर इस तरीके से वेस्ट हो जाए कि फील्ड में कुछ भी नहीं बचे तो इट वुड बी सो बैड सो सैड फॉर यहाँ पर लेंचो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की उसका फल क्या है कुछ भी नहीं यानी किसी भी एक बोल सकते हो एक वेग या वेस्ट एंड रिजल्ट के लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस और कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है क्योंकि देखो हमने बोला था कि वैली में सिर्फ एक घर है वो है लेंचो का यानी वहां पर और कोई नेबर्स भी नहीं है कोई और दूसरे फार्मर्स भी नहीं है जो उनकी मदद कर पाए वी विल ऑल गो hungry दिस ईयर और अगर इनके पास अपने कौन नहीं होंगे फील्ड का कोई भी आउटपुट नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे पैसे नहीं आएंगे तो हाउ वुड दे बाय वेजिटेबल्स फ्रूट्स और एनीथिंग फॉर देयर डिनर फॉर दे मील्स राइट तो कुछ भी खाने के लिए पैसे चाहिए और अगर क्रॉप जो है वो हुए ही नहीं हार्वेस्ट ही नहीं हुआ प्रॉपर तो फिर किस तरीके से वो अर्न करते और कहाँ से वो अपने खाने के लिए पैसे लाते तो इस साल हमें पूरी तरीके से भूखे रहना पड़ेगा क्लियर साल क्यों बोला है क्योंकि देखो एक बार खेती होती है प्रॉपर सीजन में और उसके पैसों से पूरा साल भर का काम चलता है फार्मर का राइट right? तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा सैड सिचुएशन थी फॉर लंच बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु इन दैट सोलिटेरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देर वॉज अ सिंगल होप बट अगर वो जो लेंचो है उस लेंचो के दिल में या फिर लेंचो की पूरी फैमिली जो है उनके हार्ट में क्योंकि क्या बोला है कि जो हु फॉर ऑल हु लिफ्ट कौन कौन रहता था भाई लेंचो उसकी वाइफ और उसके बच्चे राइट तो उन सबके दिल में हार्ट्स में एक होप तो जरूर था और हमें यह भी कहा गया है कि सोलिटरी का क्या मतलब होता है एक अकेला अलोन तो लेंचो का घर एक लौता घर है वहां पर वैली में राइट तो हम बोल रहे हैं सोलिट्री हाउस में जितने भी लोग रहते थे उनके दिल में बट फिर भी एक होप था एक रे ऑफ सनशाइन थी और वो क्या था हेल्प फ्रॉम गॉड कहते हैं ना कि जब जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है राइट right? तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वेन देर इज नो होप वी स्टिल हैव वन होप ले होप फॉर गॉड या फिर हेल्प फ्रॉम गॉड डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई ज्यादा अपसेट मत हो दुखी मत हो यानी यहाँ पर लेंचो अपनी फैमिली को कंसोल करते हुए कह रहे हैं कि ज्यादा अपसेट या दुखी होने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि भले ही पूरी तरीके से एक लॉस है एक नुकसान हुआ है हमारा बट फिर भी हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी भूखा नहीं मरता है नो बडी डाइज ऑफ हंगर दैट्स वॉट दे से नोवन डाइज ऑफ हंगर और यही लोग कहते हैं कि एक आप ये कहावत सुनते हो कि हम जो है भूखे उठते तो हैं बट कोई भी भूखा सोता नहीं है right? इसी चीज को को लेंचो अपनी फैमिली बोल रहे हैं कि भाई एक रे ऑफ होप तो है वो है भगवान क्योंकि कोई भी जो है भूख से मरता नहीं है वन डाइज ऑफ हंगर सो वॉट अल्टीमेटली लेंचो इज सेंग इज ऑलवेज ओके ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप और अब पूरी रात जो है लेंचो सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहा था और वो क्या था वो एक रे ऑफ सनशाइन वो एक रे ऑफ होप द हेल्प ऑफ गॉड कि भाई अब फाइनली मेरी कोई हेल्प करने के लिए नहीं है बट एक जन अभी भी है जो मेरी हेल्प करेगा एंड दैट इज गॉड भगवान Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what in deep in one's उनके पास वो आंखें होती हैं, जिससे जिस, जिस चीज को कोई नहीं देख सकता वो उनको भी देख लेते हैं राइट यानी कि हर कोई क्या देख पाता है आपका चेहरा राइट आपके चेहरे पे क्या है एक्सप्रेशन क्या है वो हर कोई भाप सकता है राइट right? बता सकता है बट नो वन कैन टेल वॉट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड राइट इन योर कॉन्सियंस यानी कि आपकी अंतर आत्मा जो होती है उसमें क्या चल रहा है वो कोई जानता है क्या नहीं बट भगवान वो भी जाते हैं गॉड कैन सी दैट ऑल्सो अब यहाँ पर कॉन्शियंस का मतलब क्या है इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग होता है ना जब हम बोलते हैं कि कोई चीज अगर आप गलत करने जा रहे होते हो आप झूठ बोल रहे हो अगर अपने पेरेंट्स से तो फाइनली एक आप बोलते हो अंतर आत्मा की आवाज़ आती है राइट right? आपको अंदर से एक आवाज आती है कि यू आर डूइंग रॉन्ग राइट गलत क्या है सही क्या है ये आपको अंदर से ही एक आवाज आती है दैट इज वॉट लेंचो इज से उस जो डीपर है एक मीनिंग उसे सिर्फ एक ही जन देख सकता है और वो है गॉड Lencho was an an ox of a man, walking like an animal in the fields, but still he knew how to write. अब ox क्या होता है भाई It's an animal, right? जैसे आप बैल कहते हो हिंदी में तो ox एक animal क्या करता है वो field में plowing के काम आता है right? Ox के पीछे एक कुछ ना कुछ एक tool लगा देते हैं और उस tool की मदद से वो फील्ड की प्लोइंग करता है राइट उसी तरीके से लेंचो भी क्या करा था वो एक ऑक्स की तरह जो कि ह्यूमन बींग्स में एक ऑक्स की तरह काम कर रहा था एक मैन जो कि एक एनिमल की तरह पूरी तरीके से हार्ड वर्क कर रहा था मेहनत कर रहा था बट देन टू उसको पता था कि लिखना कैसे है राइट बिकॉज ही इज अ मैन ही ऑलरेडी न्यू कि लिखते कैसे हैं तो भले ही एक पुअर फार्मर है बट ही वॉज लिटरेट इनफ टू राइट ओके द फॉलोइंग संडे और उसी के बाद जब मतलब उस दिन के जस्ट बाद जो संडे आया एट डे ब्रेक दिन में जब ब्रेक मिलता है यानी कि ये लेंचो जो है पूरा टाइम काम करता है राइट right? बट जब दिन में उसको टाइम मिला एक ब्रेक मिला ही बिग्न टू लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल अब लेंचो ने क्या किया डे ब्रेक के टाइम पे एक लेटर लिखना स्टार्ट किया जो वो खुद जाके टाउन यानी शहर में जाके मेल मेल बॉक्स होता है ना जो उसमें जाके दे देगा इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड और वो और कोई आम लेटर नहीं था वो क्या था भाई अ लेटर टू गॉड यानी अब हमारे चैप्टर का जो मेन टाइटल है वो क्यों लिखा गया है दैट वी विल स्लोली एंड स्टेडली अंडरस्टैंड फ्रॉम नाउ ऑन राइट अब यहाँ से इस स्टोरी के यहाँ के पार्ट से आपको समझ आएगा कि भाई अ लेटर टू गॉड क्या है क्योंकि लेंचो ने फाइनली एक लेटर लिख, लिख लिया है विच इज अल्टीमेटली अ लेटर ऑफ लेटर टू गॉड क्लियर ओके गॉड ही रोट अब हम लेटर पढ़ते हैं ठीक है लेंचो ने लेटर में क्या लिखा है गॉड उन्होंने सबसे पहले बोल सकते हो कि भगवान को इंडिकेट करते हुए कहा है गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर और अगर आप मेरी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार मी एंड माई फैमिली जो है पूरी तरीके से हम भूखे रह जाएंगे साल भर में एंड अल्टीमेटली वी विल डाई राइट आई नीड अ हंड्रेड पैसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील अगैन और मुझे आपकी मदद कैसे चाहिए मुझे हंड्रेड पैसोस चाहिए पैसोस क्या है भाई पैसो इज अ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ठीक है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होती है वहाँ की एक करेंसी है जो कि है पैसो ठीक है तो लेंचो ने क्या मांगा है लेटर में कि भगवान मुझे और कुछ नहीं मुझे आपसे हंड्रेड पैसोज चाहिए पैसे चाहिए क्यों ताकि मैं अपने खेत को वापस से बिगिन कर सकूं भाई मैं प्रॉपरली सोइंग कर सकूं सीड्स की प्लोइंग कर सकूं प्रॉपर सीड स्प्रिंकल कर पाऊं इन शॉर्ट कह सकते हैं कि फिर से खेती स्टार्ट कर पाऊं मैं इसीलिए मुझे हंड्रेड पैसोज चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल्ड स्ट्रॉग यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है हेल स्ट्रॉन्ग के बाद डॉट डॉट राइट यानी कि बस यहाँ तक लेंचो ने लिखा है कि मुझे हंड्रेड पैसो इसलिए चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड को वापस से बिगिन कर पाऊँ सोइंग कर पाऊँ और जब तक मेरे क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करें हार्वेस्ट आए मुझे पैसे मिले तो मुझे थोड़े बहुत पैसे तब तक खाना खाने के लिए यानी कि अपनी फैमिली को प्रॉपरली क्या बोल सकते हो कि हम जो हैं जीवित रहें राइट right? हम रह पाए जिंदा जब तक हमारी फील्ड जो है प्रॉपर हार्वेस्ट दे तो उस समय के लिए भी मुझे थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत है इसीलिए टोटल मुझे हंड्रेड पैसों चाहिए ठीक है और फिर लिखा है बिकॉज द हेल स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर वो रुक गया ही रोड टू गॉड ऑन द एनल अब यहाँ पे क्यों रुक गया लेंचो? भाई भाई है 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 लेंचो लेंचो को को भी पता है कि कि जो जो ये हैं है, भगवान ने कराई तो आगे बताने की जरूरत क्या Because God knows everything. बस लेंचो को काम क्या बस काम था वो उसने लिख दिया कि मुझे भाई हंड्रेड पेसोस चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड वापस बिगिन कर सोइंग कर पाऊँ और मैं अपनी फैमिली को पाल द हार्वेस्ट इज रेडी क्लियर फिर उसने क्या किया है जब हम देखो एनवल लेते हैं राइट जो लिफाफा होता है एनवलोप के ऊपर आपको एड्रेस लिखना पड़ता है राइट द एड्रेस जिसपे आपको ये लेटर भेजना है तो लेंचो ने क्या लिखा एड्रेस में टू गॉड क्लियर तो इस जो कि एनवलोप होगा एक उस एनवलोप पे लेंचो ने लिख दिया टू गॉड और इसके अंदर लेटर प्लेस करके चला गया ठीक है स्टिल ट्रबल्ड पुट द लेटर इन लेटर डाल दिया एंड स्टिल ट्रेबल्ड वेन टू टाउन और फिर भी वो थोड़ा टेंशन में था थोड़ा सैड था थोड़ा डिस्टर्ब था और वो जो है इस लेटर को इस एनवलोब को लेकर गया कहाँ टाउन शहर में एट द पोस्ट ऑफिस अब पोस्ट ऑफिस में पहुंचा वो क्योंकि पोस्ट ऑफिस द प्लेस जहाँ पे आप लेटर पोस्ट करते हो

तो यहां लंचो ने भी यही किया जस्ट टुक द स्टैंप पुट द स्टैंप ऑन बॉक्स में उसने उस लेटर को ड्रॉप कर दिया वन ऑफ द was हु पोस्टमैन एंड also helped एट द पोस्ट ऑफिस went टू his बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड अब देखो अगर आप अभी तक की स्टोरी नहीं पढ़ते ठीक है क्योंकि क्या हुआ ना अभी तक अपन ने स्टोरी पढ़ी है तो हम लेंचों से कनेक्ट कर पा रहे हैं हमें एक इमोशनल कनेक्ट डेवलप कर लिया है कि लेंचो की कंडीशन बहुत सैड थी तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई ही ना पता है तो आप बहुत ज्यादा हंसोगे उसके बाद मुझे मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओगे कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है इनके साथ राइट सेम वे में जब पोस्टमैन ने लेटर्स निकाले और इस पर्टिकुलर लेटर को देखा जिसपे दे एड्रेस में लिखा है टू गॉड तो पोस्टमैन वो लेटर लेके अपने बॉस के पास गया ठीक है वो पोस्टमैन भी है और वो पोस्ट ऑफिस पे थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देता है तो वो अपने बॉस के पास बहुत ज्यादा हंसते हुए उस लेटर को लेके गया नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस भाई पोस्टमैन है उसने अपने पूरे करियर में पूरे प्रोफेशनल करियर में आज तक एक ऐसा एड्रेस नहीं देखा जिसका नाम है भाई टू गॉड ठीक है द पोस्टमास्टर अब जो वहाँ के बोस बॉस हैं जो हेड है वो कैसे हैं उनका एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया है जो पोस्ट मास्टर है अ फैट एमियबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग अब जब ये जो बॉस है जो कि क्या है फैट है यानी मोटू से है और एमिएबल यानी फ्रेंडली एंड प्लेजेंट यानी कि कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत हम बोलते हैं कि बहुत क्यूट हैं क्यूट मतलब हम बोलते हैं कि भाई एक तो फिजिकली भी राइट right? कि भाई फैट सा है master, दूसरी बात ही इज वेरी हैप्पी गो लकी गाय यानी कि प्लेजेंट स्वीट राइट एक स्माइलिंग फेस तो उनके पास जाता है जब ये पोस्टमैन लेटर लेकर तो वो भी क्या करते हैं वो भी बहुत ज्यादा उनकी हंसी निकल जाती है ब्रोकआउट लाफिंग यानी कि बोलते हैं एकदम से हंसी निकल जाना तो पोस्टमास्टर भी इस लेटर को देख के बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं

चलो ठीक है इतना ठीक है कि जो लेटर को एकदम से कोई देखेगा तो इमीडिएट तो भाई हंसी निकलेगी एनी बडी वुड लाफ ऑन दिस सेम वे में पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर ऑल्सो रिएक्टेड राइट उन्होंने भी हंसना स्टार्ट कर दिया बट देन पोस्ट मास्टर ने क्या किया ही जस्ट बिकेम सीरियस और फिर उन्होंने कमेंट किया कि कितना ज़्यादा विश्वास है मतलब मैं विश करता हूँ कि काश मुझे भी भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास होता जितना विश्वास इस इंसान को है राइट right? यानी लेंचो को जो एक्सट्रीम फेथ है गॉड पे वो फेथ देखकर कर पोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा सरप्राइज है कि किसी इंसान को इतना विश्वास कैसे हो सकता है भगवान के कि वो उनको लेटर ही लिख दे सीधे कि मैं, मैं लेटर लिखूंगा तो मुझे रिप्लाई आएगा क्लियर राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर ने क्या किया लेटर पढ़ा होगा ठीक है उन्होंने लेटर पढ़ते से ही देखा कि कितना फेथ है भगवान पे लंचो को राइट right? उसके बाद उन्होंने क्या किया उन्होंने जैसे ही देखा कि भाई इतना ज्यादा फेथ है भगवान पर लंचो को उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो फेथ लंचो का है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए राइट right? वो शेक नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेंचो का जाए भगवान पर इसलिए पोस्ट ने एक निकाला। आंसर द लेटर बट व्हेन ही ओपनड इट इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल ठीक है देखो जब ये लेटर टैप किया ना तो जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने डिसाइड किया कि भाई बहुत ज़्यादा फेस है इस पर्सन का तो अपन क्या करेंगे इस लेटर का आंसर करेंगे बट जैसे ही लेटर ओपन किया पोस्ट मास्टर ने उन्होंने क्या पढ़ा होगा कि भाई लेंचो को सिर्फ आंसर नहीं चाहिए उसे तो हंड्रेड पैसों चाहिए पैसे चाहिए उसको तो तो अगर हम रिप्लाई करेंगे तो बिल्कुल भी लेंचो के लिए वो कंप्लीट आंसर नहीं होगा राइट तो फिर उनको पोस्ट मास्टर को ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ रिप्लाई करने से कुछ नहीं होगा हमें इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ठीक है he needed ink and paper यानी more than goodwill ink and paper यानी कि सिर्फ एक goodwill विल यानी एक अच्छी सी इच्छा इंक और पेपर के अलावा भी हमें कुछ चाहिए और वो क्या है वो है पैसे क्योंकि लेंचो को आंसर नहीं चाहिए उसे पैसे चाहिए थे इन रिटर्न बट ही स्टू हिज रेजोल्यूशन बट क्योंकि पोस्टमास्टर ने ये निर्णय कर लिया था ये ठान लिया था ही कि भाई मैं तो लेंचो को रिप्लाई दूंगा तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि लेटर पढ़ा कि भाई उसको हंड्रेड पैसो चाहिए तो फिर उन्होंने सोचा रहने दो अब रिप्लाई करने की क्या जरूरत है नहीं उन्होंने ठान लिया तो ठान लिया और उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही आस्ट फॉर मनी फ्रॉम इंप्लॉईज ही सैलरी और उन्होंने क्या किया वो पोस्ट ऑफिस में हर एक कर्मचारी हर एक एम्प्लॉय से पूछने लगे कि भाई मुझे थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए सब कॉन्ट्री करें पैसों की ठीक है और उन्होंने खुद भी अपनी सैलरी में से एक हिस्सा उसमें दिया एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफिस वर ओब्लाइड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी और उनके और भी फ्रेंड्स थे जिनसे उन्होंने बात की उनसे पैसे मांगे और उन लोगों ने खुशी खुशी जो है कॉन्ट्रीब्यूशन किया क्यों क्योंकि दिस वॉज एन अल्टीमेट एक्ट ऑफ चैरिटी यानी कि फाइनली एक चैरिटी में जा रहा था ये पैसा चैरिटी क्या होता है जब आप फाइनेंशियल हेल्प करते हुए गुड विल के साथ राइट तो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत खुश हो गए कि वी विल बी ओब्लाइज इनफ अगर हम भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सके क्लियर ऑल राइट हंड्रेड पैसो to अब देखो हंड्रेड पैसो बहुत ज्यादा तो पोस्ट मास्टर के लिए ये बिल्कुल भी बोल सकते हो इतना कलेक्ट कर पाएज एबल टू सेंड दिटल मोर देन हाफ तो उन्होंने कितना भेजा उन्होंने फार्मर को थोड़ा सा जितना हाफ होगा कितना बोला था भाई हंड्रेड पैसोज बोला था तो इसका हाफ कितना होगा फिफ्टी पैसोस, राइट तो फिफ्टी पैसों से थोड़ा बहुत ज्यादा जो है पोस्ट मास्टर इकट्ठा कर पाए और उन्होंने लंचो के एड्रेस पे वो पैसे भेज दिए क्लियर ही पुट द मनी इन एन to अड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद इट containing कंटेनिंग ओनली single वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड वेरी beautiful. क्या किया है भाई पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि अब मैं रिप्लाई करूंगा राइट right? रिप्लाई कैसे करूंगा उन्होंने अराउंड फिफ्टी पैसो प्लस ठीक है फिफ्टी पैसों से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए और वो पैसे उन्होंने एनवलोप में डाले और वहां एक लेटर भी डाला उसमें और लेटर में सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक सिग्नेचर किया जिसमें उन्होंने लिखा गॉड क्लियर ताकि लेंचो को ये विश्वास हो जाए कि हाँ भाई भगवान ने ही मुझे पैसे भेजे हैं क्लियर द फॉलोइंग संडे लंचो केम अट अर्लियर देन यूजल अब क्या हुआ लेंचो जो है नेक्स्ट संडे ठीक है आप प्रीवियस संडे ही वेंट एंड पोस्टेड द लेटर राइट अब नेक्स्ट संडे लेंचो जो है वो ये इंक्वायरी करने के लिए गया है कि क्या लेटर का रिप्लाई आया है सो द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट

टू सैडनेस नहीं लिया था रेली हैज एक्सट्रीम फेथ ऑन गॉड राइट तो वो क्या है नेक्स्ट वीक फिर से गया है टू जस्ट इंक्वायर अबाउटर क्या रिप्लाई आया यूज टू आस्क इट वॉज द पोस्टमैनडेड द लेटर टू हिम वाइल पोस्ट मास्टर अब जो पोस्टमैन था ना जिसने पोस्ट मास्टर को जाके बताया था कि सर ऐसा ऐसा लेटर आया है तो वही पोस्टमैन ने वो लेटर जो है वो एंड जिसमें पोस्ट मास्टर ने पैसे फिफ्टी प्लेसोस प्लस एंड एक सिग्नेचर जो कि गॉड का सिग्नेचर करते हुए एक लेटर डाला था राइट तो ये एंड वो लॉप लेंचो को उसी पोस्टमैन ने हैंड ओवर किया एंड आफ्टर दैट वो पोस्टमास्टर क्या कर रहे थे उस दौरान वाइल्ड द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग मैन हु

वो एक सरप्राइजिंग फीलिंग होगी राइट वो हमारे एक्सप्रेशन कैसे हो जाएंगे oh right? माय कुछ भी नहीं दिख रहा था लेंचो के चेहरे पे सच वॉज इज कॉन्फिडेंस और वो क्यों था क्योंकि लेंचो वॉज मोर देन हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट कि उसे डेफिनेटली लेटर का रिप्लाई तो आने ही वाला है राइट right? बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड मनी बट उसकी जगह क्या हुआ है पैसे तो है लेटो में बट वो पैसे क्या है कम है राइट right? क्योंकि हमें क्या बोला था कि पोस्ट मास्टर जो है पूरे हंड्रेड पैसो तो जो है नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करा पाए लोगों से राइट बट अराउंडी के ऊपर जो है करेंसी डाली थी पोस्ट मास्टर ने तो क्योंकि लेंचो हंड्रेड पैसो ही एक्सपेक्ट कर रहे थे भगवान से तो जैसे ही उन्होंने करेंसी देखी काउंट की काउंट करने के बाद जब उन्हें रियलाइज हुआ कि पैसे कम हैं, तो ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया गॉड कुड नॉट अ मिस्टेक उसका क्या मानना था कि भगवान कभी गलती तो ना कर सकते हैं यानी भगवान ने जब हंड्रेड पैसो पड़े होंगे तो हंड्रेड पैसो ही भेजेंगे वो उनसे थोड़ी ना गलती हो सकती है और ऐसा भी नहीं है कि भाई भगवान जो है वो बिल्कुल साफ मना कर देंगे कि नहीं लंचो ने हंड्रेड पैसोज मांगे तो मैं क्यों दूँ? राइट right? तो लंचो को ये तो पता था कि भाई भगवान सबकी सुनते हैं और मैंने अगर भगवान से हंड्रेड पैसोज़ मांगे हैं तो डेफ़िनेटली वो हंड्रेड पैसोज ही भेजेंगे वो ना तो इस चीज़ को डिनाई करेंगे ना ही उनसे कोई मिस्टेक होगी पैसे भेजने में तो लेंचो वाज सो मच कॉन्फिडेंट ऑन गॉड कि वो हंड्रेड पैसोज ही एक्सपेक्ट कर रहा था और जब उसे थोड़े बहुत पैसे कम भी मिले तो ही वॉज़ नॉट हैप्पी कि भाई मुझे पैसे मिल गए मैं फिर से वो सब कर सकता हूँ जो मैं चाहता था बट ही वॉज एंग्री राइट right? कि भाई भगवान ने गलती करी है या फिर भगवान ने जो है पैसे कम क्यों भेजे क्लियर इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक और उसी वक्त क्या होता है पोस्ट ऑफिस में विंडो बनी होती है right? राइट जहां से आप पेपर या इंक मानते हो अपना लेटर लिखने के लिए तो लेंचो जो है वो भी गया पोस्ट ऑफिस में और विंडो पे जाके खिड़की पे जाके खड़े होकर उन्होंने बोला कि मुझे पेपर और इंक दे दीजिए ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल और पोस्ट ऑफिस में एक टेबल होता है जैसे बैंक में भी आप जाते हो तो एक टेबल होता है जहां पर पब्लिक खड़े होकर अगर कुछ फॉर्म वॉर्म फिल करना है तो कर सकती तो है उसने क्या किया रिंकलिंग क्या होती है जब एक्सप्रेशन होता है ना यूं यूं अपना आईब्रोज के साथ एक्सप्रेशन देते हैं तो उस तरीके से रिंकल यानी क्या जब रिंकल्स पड़े राइट तो जो लेंचो है ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग और वो एंगर वो जो फीलिंग चल रही थी उसके दिमाग में कि भगवान ने कैसे कम पैसे भेजे उस फीलिंग के साथ ही स्टार्टेड राइटिंग कॉज्ड बाय द एफर्ट हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज क्यों क्योंकि उसको जो है वो अपने जो आइडियाज चल रहे थे दिमाग में उसे प्रॉपरली नोट डाउन करना था वेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प जैसे ही लेटर लिख लिया लेंचो ने वो जो है गया पोस्ट ऑफिस में एक और विंडो पे और हैंड ही आस्ट फॉर स्टैंप। वो खरीदने लगा क्या एक स्टैंप क्योंकि स्टैम्प आपको चिपकाना होता है राइट विच हीस्ड टू ब्लो ऑफ हिज फिस्ट और जो उन्होंने क्या किया उसने उस स्टैंप को लिक किया ठीक है उसको फिर उस पर रखा एंडवलोप पे और अपने फिस्ट से अपने मुक्के से जोर से जो है बोलते हैं टैप किया और फिर उसको चिपकाया नॉर्मली यही होता है राइट अब लेते हो लिख करते हो चिपकाते हो और टैप करते हो आपने बहुत बार देखा होगा ये सीन तो सेम चीज लेंचो ने भी की एंड ही अफिक्स द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड जस्ट टैप्ड ओवर इट द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स अब देखो पोस्ट और पोस्टमैन जो है इस चीज को देख रहे हैं कि लेंचो ने फिर एक लेटर लिखा और दे वर वेरी ईगर राइट वो जैसे ही उन्होंने देखा होगा कि यार लेटर डाला है मेल बॉक्स में तो वो बहुत ज्यादा ईगर हो गए होंगे क्यूरोसिटी बढ़ गई होगी कि देखे लेटर में क्या लिखा है राइट तो मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल लेंचो ने जो लेटर लिया और वो मेल बॉक्स में जब डालने लगा द पोस्ट मास्टर वेन टू ओपन इट पोस्ट मास्टर जो है वो खुद ही गए और उसको लेकर आए ताकि वो पढ़े कि उसमें क्या लिखा है इट्स सेट लेटर में क्या लिखा था गॉड of the money that I asked for. भगवान जी जो पैसे मैंने मांगे थे यानी 100 पैसोज only 70 पैसोज reached me. उसमें से सिर्फ 70 पैसोज जो हैं वही मेरे पास आए हैं यानी मैंने आपसे 100 पैसोज मांगे थे आपने मुझे कितने भेजे हैं 70 पैसोज तो ये ध्यान में रखना है कि लेंचो ने 100 पैसोज मांगे थे और पोस्टमास्टर मास्टर कितना पैसा गैदर कर पाए थे सेवेंटी पैसोज बट डोंड इट टू मी थ्रू द मेल बट मुझे मेल के थ्रू मुझे लेटर के थ्रू पैसे मत भेजिएगा बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लॉयज आर अंच ऑफ क्रूज क्योंकि पोस्ट ऑफिस में कुछ इम्प्लॉयज कुछ कर्मचारी जो है वो क्रूक्स हैं क्रूक्स यानी कि जो पैसे वगैरह ले सकते हैं चालाक हैं चंट हैं ठीक है लेंचो और नीचे साइन कर दिया लेंचो अब देखो पोस्ट मास्टर जिसने इतने पैसे भेजे थे सेवेंटी पैसोस अब जब ये लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा होगा कि भाई लेंचो को डाउट भगवान पे नहीं किस पे है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉज पे कि भगवान पैसे भेजेंगे ये लोग क्या करेंगे वो पैसे निकाल लेंगे राइट या फिर मुझे वो लेटर नहीं देंगे तो ये पढ़ के आई डोंट नो पोस्ट मास्टर ने क्या सोचा होगा भाई कि आई एम द वन जिसने सेवेंटी पैसे भेजे हैं एंड दिस पर्सन इज राइटिंग कि भाई इस पोस्ट ऑफिस के ही कुछ लोग जो है वो क्रूक्स हैं और वही हमारे पैसे जो है चुरा सकते हैं या फिर मेरा लेटर मुझे नहीं देंगे एंड फाइनली ये लेटर लिख के लंचों ने भगवान को सेंड कर दिया क्लियर दिस वॉज थिंक बहुत right? तो इंटरेस्टिंग स्टोरी ने क्या किया यहाँ पे देखो स्टोरी इस तरीके से एंड क्यों की है देखो लेंचो का एक्सट्रीम फेथ जो है ना बिल्कुल एक बोलते लेवल आप वो दिख रहा है यानी उसको सेवेंटी पैसोज मिले सो ही वॉज नॉट सरप्राइज किया अरे भगवान ने मुझे पैसे भेजे बट ऑन दी अदर हैंड ही वॉज एग्री कि मेरे थर्टी पैसोज बाकी के मुझे नहीं भेजे गए हैं मुझे वो चाहिए एंड ही अगेन रोट अ लेटर कि भाई मैं फिर से लेटर लिख रहा हूँ मुझे पैसे बाकी के जो हैं आप फिर से भेजो तो ये बहुत ही आई थिंक क्या बोले ये जोक हो गया या फिर आप जो हो सरप्राइज हो जाओ इस फेथ के साथ कि किसी को इतना विश्वास कैसे हो सकता है वो भगवान पे हो या किसी पे भी हो राइट आप इतना ज़्यादा फेथ किसी पे कैसे रख सकते हो कि भाई मुझे फिर से मैं लेटर लिखूंगा तो वो थर्टी पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे क्लियर दिस वॉज द कम्पलीट स्टोरी अब हम क्विकली एक समरी देख लेते हैं क्योंकि क्या है जब आप चैप्टर पढ़ लेते हो उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको अपने आंसर्स लिखने हैं तो डेफिनेटली आपको एक समरी तो जरूर देखनी चाहिए ठीक है क्योंकि समरी देख लोगे ना क्लियर हो जाएगा हाँ भाई आउटलाइन क्या थी पूरी सो लेंचो हैड इज लोनली हाउस इन द वैली लेंचो का अकेले घर था भाई वैली में कोई भी रिवर और फील्ड को देख पाता था crop, but it needed rains badly. Lencho के पास क्रॉप तो बिल्कुल प्रॉपर थे अच्छी कंडीशन में थे बट बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत थी Lencho को अब बारिश, it had rain clouds. होता ना बारिश का मौसम कैसे पता चलता है हम बोलते भाई बादल छा रहे हैं डिनर वाइफ क्या कर रही थी डिनर वो सपर वो प्रिपेयर कर रही थी ही टोल्ड हर दैट गॉड विलिंग इट वु रेन की भाई भगवान पर विश्वास रखो कि मुझे भी लगता है कि भाई काश ऐसा होगी बारिश हो जाए

सॉल्ट पूरी फील्ड पे ओले ओले गिर गए पूरा वाइट हो गया तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ज्यादा नमक गिर गया उस फील्ड पे द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड जो क्रॉप था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था यानी एक भी क्रॉप नहीं बचा था लेंचो बिकेम सैड लेंचो वॉज सैड ही वॉज डिसहार्टेड कि भाई क्या हो गया राइट right? ही फेल दैट दे वुड गो हंगरी दैट यर वाई ही वॉज सैड बिकॉज देखो क्रॉप नहीं था सो ही वुड नॉट बी एबल टू अर्न मनी एंड नॉट बी एबल टू बाई फूड फॉर इज फैमिली ऑल्सो दे वुड हैव नो सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप और अभी अगर क्रॉप जो है नहीं हुआ पूरी तरीके से हार्वेस्ट नहीं हुआ पैसे नहीं आए तो खाना तो चलो ठीक है बट अगले साल के लिए जो सीड्स खरीदनी पड़ती हैं वो भी अब नहीं मिलेगी बट लेंचू हैड अ सिंगल होप बट इतना कुछ हो जाने के बाद अगर किसी नॉर्मल इंसान के साथ अगर इतना कुछ हो जाए कोई भी पर्सन डिसहार्ट होगा और सारी उम्मीदें छोड़ देगा बट लेंचो ऐसा नहीं था लेंचू है वो क्या था हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से मदद ही वॉज श्योर डेट नो वन डाइज ऑफ हंगर और वो एक श्योरिटी क्या थी वो एक ऐसी क्या चीज थी जो लेंचो को लगता था कि नहीं भाई भगवान हेल्प करेंगे क्योंकि लंचो को पता था कि कोई भी भूख से नहीं मरता है ही हैड अ ग्रेट बिलीफ इन गॉड उसको बहुत एक्सट्रीम विश्वास था भगवान में द फॉलोइंग संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस ही रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम वन हंड्रेड पैसोज ही रोट गॉड एज द एड्रेस क्या किया लेंचो ने जो फॉलोइंग संडे था जो नेक्स्ट संडे था उस दिन वो पोस्ट ऑफिस में गया वहां पर उसने एक लेटर पोस्ट किया जिसमें मेंशन था कि भाई मुझे हंड्रेड पैसो की जरूरत है और वो लेटर जो है पोस्ट किया और envelope पे क्या लिखा था एड्रेस में गॉड क्लियर एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस शोड दिस लेटर टू द पोस्ट मास्टर और क्या हुआ वहां का एक एम्प्लॉई जो था उसने ये लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाया भाई देखो कैसा लेटर लिखा है राइट right? द पोस्ट मास्टर लाफ सीन द एड्रेस और पोस्ट को बहुत हंसी आने लगी द फैट एमिएबल मैन जो था पोस्ट मास्टर ही वॉज लाफिंग क्यों क्योंकि एड्रेस में क्या लिखा था गॉड और ऐसा एड्रेस उनने आज तक कभी देखा नहीं था He wished to have such a faith in God, but then जो है हंसते हंसते पोस्ट बहुत सीरियस हो गए और उन्होंने ये चीज़ देखी कि काश मुझे भी इतना ही विश्वास हो भगवान पे जितना कि इस मैन लेंचो को है He had an idea, answer the letter. और इस पर पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया दिया भाई पोस्टमैन को कि चलो इस लेटर का आंसर लिख दो रिप्लाई कर दो फॉर दैट ही वाज सपोज्ड टू ओपन द लेटर तो उन्होंने लेटर खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था बट रीडिंग इट ही फाउंड दैट द राइटर नीडेड द मनी बट जैसे ही लेटर पढ़ा पोस्ट मास्टर ने उसे समझ आया कि भाई लेंचो को जवाब नहीं चाहिए रिप्लाई नहीं चाहिए बल्कि हंड्रेड पैसो चाहिए बट रीडिंग इट इट वॉज टू कीप द फेथ ऑफ द राइटर और क्योंकि भाई चाहते थे पोस्ट मास्टर कि इस इंसान का ये जो फेथ है ये जो एक्स्ट्रीम फेथ है विश्वास है ये टूटे नहीं शेक ना हो इसी लिए पोस्ट मास्टर ने जो रिजोल्यूशन ले लिया था तो ले लिया था कि हाँ भाई हम तो रिप्लाई करेंगे भले ही पैसे देने हैं तो हम पैसे भेजेंगे सो ही आज ऑल हज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉय टू गिव सम मनी तो उन्होंने किस किस से मदद मांगी सारे एम्प्लॉयज से और अपने फ्रेंड्स से और खुद ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया कि भाई थोड़े थोड़े पैसे हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि क्या हो अल्टीमेटली जो राइटर है लेंचो है उसका फेथ जो है वो ब्रेक ना हो द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली सेवेंटी पैसोज दिस में पुट द मनी इन एन एंड एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो रोट अल्ड ऑन एड गॉड एज अग्नेचर क्या किया पोस्ट मास्टर ने अल्टीमेटली उन्होंने लेटर जो है पोस्ट करा उसमें पैसे डाले कितने सेवेंटी पैसो और एक लेटर लिखा जिसमें साइन किया गॉड और ये जो है उन्होंने लंचों के एड्रेस के लिए पोस्ट कर दिया क्लियर और और फिर जो next Sunday था, जो था, है गया। उसने पूछा क्या भाई मेरे लिए कोई लेटर आया है ही was गिवन दैट लेटर और फिर जो है लेंचो को वो जो लेटर था जो पोस्ट मास्टर ने डाला था पोस्ट किया था वो उस पोस्टमैन ने लेंचो के हाथ में दिया मनी और जैसे ही लंचो ने लेटर ओपन किया होगा अनविलोप ओपन किया होगा उसमें पैसे दिखे होंगे पैसे देख के एक नेचुरल रिएक्शन एक्सपेक्टेड क्या था कि लेंचो वुड बी सरप्राइज अरे वहाँ पैसे आ गए बट ही वॉज नॉट सरप्राइज बिकॉज ही वॉज हंड्रेड परसेंट श्योर कि पैसे तो आएंगे ही आएंगे राइट right? बट जैसे ही उसने मनी काउंट किया ही गॉट एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी वो गुस्सा हो गया क्यों क्योंकि भाई थर्टी पैसोज कम थे सिर्फ सेवेंटी पैसोज थे ही फेर दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक और उसको इस चीज का गुस्सा आ रहा था कि भाई मुझे नहीं लगता कि भगवान ने कोई गलती की होगी यानी इनडायरेक्टली लेंचो के दिमाग में चल रहा था कि हो सकता है भगवान ने तो सौ पैसोस भेजो हो बट उसमें से थर्टी पेसोस जो है यहाँ के पोस्ट जो ऑफिस है वहां के इम्प्लॉय ने निकाल लियो समझ रहे हो तो ये चीज लेंचो के दिमाग में चल रही थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है हो सकता है भगवान ने तो भाई हंड्रेड पैसो ही भेजे होंगे ही वॉज डेफिनेटली श्योर राइट right? कि हंड्रेड पैसोज आए हैं बट जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उन्होंने ये लेटर जो है ओपन करके इसमें से थर्टी पैसोज रख लिए होंगे इमीडिएटली लेंचो रोट अनादर लेटर टू गॉड और उसी वक्त लेंचो ने क्या किया उसने डिसाइड किया कि भाई मैं भगवान को एक और लेटर लिखूंगा ही पुट इड इन टू द मेल बॉक्स और वो लेटर लिखकर मेल बॉक्स में डाल दिया

बट ही हैड आस्ट फॉर वन हंड्रेड पैसोज बट मैंने तो भाई पूरे वन हंड्रेड पैसोज मांगे थे और आपने मुझे सिर्फ सेवेंटी पैसोज भेजे हैं ही आस्ट गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट और इसीलिए उन्होंने भगवान से बोला मुझे बाकी के पैसे भी भेजिए बट गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल बट आप जो ये पैसे हैं उसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्ट के थ्रू मत भेजिएगा इट वॉज बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लॉयज क्योंकि लंचों का मानना था भाई जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है वो क्रूक्स हैं वो मेरे पैसे निकाल सकते हैं मेरे साथ धोखा हो सकता है इसीलिए आप ये पैसे मुझे मेल के थ्रू मत भेजिए किसी और तरीके से भेजिएगा क्लियर सो दिस वॉज द कम्प्लीट स्टोरी ऑफ द चैप्टर लेटर टू गॉड आई कम्प्लीटली इंजॉयड दई होप आपको भी पूरी स्टोरी समझ आई होगी एंड यू वेव ऑल्सो इंजॉय राइट इससे क्या सीखने को मिलता है आपको कि भाई अगर फेथ रखो ना किसी चीज पे तो हंड्रेड परसेंट मोर देन हंड्रेड परसेंट रखो अगर आप नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट फेथ रखते हो वो पॉइंट जीरो लगता है डाउट है कि नहीं यार ये नहीं होगा डेफिनेटली वही पॉइंट जीरो हार्डवर्क योर कंप्लीट फेथ क्लियर तो कभी भी फेथ रखो बी लाइक लेंचो अगर किसी चीज में बिलीव करते हो बिलीव मोर देन हंड्रेड परसेंट नॉट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट इवन क्लियर तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा यू वुड हैव लव द स्टोरी सो दैट वी कुड हैव यू नो वी हैव लर्न अ वेरी गुड थिंग कि हमेशा फेथ रखो ऑलवेज कीप फेथ ऑन गॉड ऑलवेज कीप फेथ ऑन योर पेरेंट्स ऑलवेज कीप फेथ इन योर फैमिली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीप फेथ ऑन योर सेल्फ क्लियर एंड देन यू विल डू वंडर्स इन योर लाइफ ओके सो अब समझ आ गया भाई चैप्टर की स्टोरी क्या थी नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द एनसीआर क्वेश्चन जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर के सो दैट वी कैन काइंड ऑफ जज की कितना क्लियर हुआ है हमें ये चैप्टर सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट वेरी सून टिलेक केयर ऑफ योर सेल्फ और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉक हे एवरी वन दिस इज चांदी दिनानी वेलकमिंग यू टू माइड ब्रेन और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ दी पोएम्स जो कि गिवन है हमारे चैप्टर और लेटर टू गॉड में तो आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड उसमें एट द एंड आपको दो पोएम्स गिवन है जो कि लिखी हुई हैं फ्रॉम वाई अ वेरी फेमस पोएट जो की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ओके

कि भाई जनरली क्या होता है ना हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए एक धारणा बना लेते हैं हमारी लाइफ में बहुत सुपरस्टिशंस हैं राइट फॉर एग्जांपल अगर हम आ, कुछ ऐसा बात कर रहे हो अच्छा सा या कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो एंड somebody sneezes एट दैट टाइम कोई छीक देता है तो हम क्या बोलते हैं भाई इसने छीक दिया अब काम नहीं होगा राइट right? होता ऐसा कुछ नहीं है ठीक है मेरे साथ पर्सनली ऐसे बहुत बार हुआ है कि कुछ मैं बोलती हूँ सामने वाला चीख देता है और काम बहुत अच्छा होता है तो ये धारणा है सुपरस्टिशन है आपके दिमाग में कि भाई ऐसा कुछ होता है कुछ बैड जो बोलते हैं ना कि कुछ गलत चीजें आप लिंक कर देते हो किसी के साथ नेगेटिव चीजें लिंक कर देते हो कि छीकना इज नेगेटिव अगर आप कुछ अच्छे काम के लिए जा रहे हो सिमिलरली अगर कोई काली बिल्ली एक ब्लैक कैट जो है आपका रास्ता काट लेती है और आप अगर उस रास्ते से गुजर जाओ तो कुछ गलत होगा अरे भाई ये क्या बात हुई राइट ब्लैक इज अ वेरी ब्यूटिफुल कलर राइट एंड ब्लैक कैट्स आर ब्लैको ब्यूटिफुल तो उसका क्या काम था भाई वो तो जनरली जा रही थी अपनी जगह से अब आपने एक क्या करा उसके साथ धारणा जोड़ दिया है कि भाई एक काली बिल्ली रास्ता काट के जाएगी तो आपके साथ कुछ गलत होगा तो ये सोच छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने एज नेगेटिव जो है जोड़ ली है कुछ चीजों के साथ इसी के ऊपर रॉबर्ट फ्रॉस ने बहुत ब्यूटीफुली अपना सामने रखा कि उनके हिसाब से ये सब चीज़ें जो हैं वो सही हैं या फिर क्या सच में ऐसा होता है कि आप जो नेगेटिव सोचते हो कि इसके साथ ऐसा होगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लैक क्रो देखते हो ब्लैक ही होता है क्रो जब आप क्रो देखते हो कौआ देखते हो तो हम उसको जोड़ते हैं विद सिंबल ऑफ डेथ राइट हम बोलते हैं ना कि जब किसी अनफॉर्चुनेटली अगर हम किसी को हमारी फैमिली में कोई यू you नो know, चला जाता है वी वी लॉस समबडी वेरी स्पेशल तो हम क्या करते हैं हम किसी ना किसी एक बोलते हैं ऑस्पिशियस डे पे कुछ अच्छा बनाते हैं और हम वो क्रो को खिलाते हैं राइट क्योंकि हम क्रो को सिंबलाइज करते हैं फॉर डेथ सिमिलरली एक ट्री होती है जिसे आप कहते हो हेमलॉक ट्री जो बहुत पॉइजनस होती है तो हम हेमलॉक ट्री को कभी भी पॉजिटिव वे में यूज नहीं करते हम बोलते भाई ये बहुत है तो दिस इज रिलेटेड टू नेगेटिव तो ये सारी चीजें क्या सच में ऐसा ही होता है कि भाई अगर ये दिख जाए क्रो दिख जाए हेमलॉक ट्री दिख जाए तो कुछ ना कुछ गलत होगा इसी पे बेस्ड बहुत ब्यूटिफुली रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोएम लिखी है जिसका मतलब है डस्ट ऑफ स्नो तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं देखने वाले हैं कि भाई डस्ट ऑफ स्नो में ऑथर सॉरी जो पोएट है वो आपको क्या बताना चाहते हैं सिमिलरली हम एक प्रॉपर समरी देखेंगे इस पोयम की एंड एट द एंड आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है आपकी एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आर पोएट रॉबर्ट क्रॉस एंड देन वी विल मूव टू आर पोएम डस्ट ऑफ स्नो क्लियर ऑल राइट तो ये जो है डस्ट ऑफ स्नो ये लिखी गई है हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही इज अ ब्यूटिफुल पोएट सो डस्ट ऑफ स्नो इज अ ड्यूटिफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट वेरी नाइस पोएट ही इज एंड सेम वे उन्होंने अपनी पोएम में प्रूफ किया है डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न ऑन मार्च 26 1874 एंड ही डायड ऑन जनवरी 29 1963 वॉज एन अमेरिकन पोइट ये क्या थे एक अमेरिकन पोइट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर पता होना तो अच्छी बात होती है पोइट की क्योंकि आप कनेक्ट कर पाते हो ठीक है तो हमें पता है भाई रॉबर्ट फ्रॉस यानी रॉबर्ट ली फ्रॉस जो है उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मास्टर पीस लिखा है विच इज वॉट अ डस्ट ऑफ स्नो लेट सी भाई कि डस्ट ऑफ स्नो है क्या वॉट इज दैट पर्टिकुलर थिंग विच द पोएट वॉन्ट्स अस टू सी अंडरस्टैंड एंड वॉट इज दैट हीस राइट चलिए देखते हैं वॉट इज अ पोएम ऑल अबाउट सो द पोए the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. हेमलॉक ट्री जो है पॉइजनस ट्री है तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जो हैमलॉक ट्री है उस पर स्नो होगा ठीक है सपोज ये जो पोइट है वो कहीं ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे स्नोइंग हो रही है एंड देर अ हैमलॉक ट्री इज प्रेजेंट अब हैमलॉक ट्री पे स्नो है बर्फ है ठीक है अब उस ही हैंडलॉप ट्री से एक क्रो जो है या तो उस पर उड़ के ऑलरेडी बैठा होगा और उससे एकदम से उड़ के जा रहा होगा या फिर हो सकता है वो सडनली जब पोएट उस पेड़ के नीचे से जा रहे थे हेमलॉक ट्री के नीचे से जा रहे थे तभी क्रो जो है वो उस पर बैठा जिसकी वजह से जो स्नो है उसकी डस्ट डस्ट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि हम मिट्टी की बात कर रहे हैं डस्ट धूल की बात भी नहीं है डस्ट का मतलब है जो स्नो है बर्फ है उसके जो अंश गिरे स्नो फॉल हुआ उसको हमने यहाँ डस्ट की तरह सॉरी पोएट ने यहाँ पे डस्ट की तरह सिग्निफाई किया है राइट तो हमें यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं जा रहा था क्रो ने क्या किया उसने हेमलॉक ट्री पे जो स्नो थी वो मेरे ऊपर गिरा दी अब देखो यहां पर क्रो भी आपने बोला नेगेटिव के साथ लिंक है आपने बोला यहां है, है तो भाई दो दो नेगेटिव हो गए तो कुछ तो गलत होने वाला है राइट तो यहां सबसे पहले ग्लॉसरी में देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है इज अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स हैमलॉक ट्री जो होती है उसमें छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स होते हैं एंड इट इज वेरी पॉइजनस ट्री एंड rued का मतलब अभी हम देखेंगे अभी हमने देखा नहीं पैराग्राफ क्लियर हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड rued rued का मतलब क्या है held in regret यानी यहां पर पोएट बोल रहे हैं कि जैसे ही क्रो ने हेमलॉक ट्री पे प्रेजेंट स्नो मेरे ऊपर गिरा दी वो किसी भी कारण से गिराई हो उसी वक्त पोएट के जो मूड है उसमें चेंजेस देखने को मिले उनको दिस हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड उनके हार्ट में उनके दिल में जो मूड उस वक्त चल रहा था जो उनकी जो बोल सकते हो सिचुएशन थी उस वक्त जो भी सोच चल रही थी उसमें एक बहुत ही चेंज आया क्या वो चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपेक्टेड क्या है नेगेटिव होगा बट क्या बोल रहे हैं पोएट आगे एंड सेव्ड सम पार्ट और बचा लिया कुछ हिस्सा किसका ऑफ डे आई हैड रूड जो दिन मेरा खराब हो गया था जो दिन में मैंने रिग्रेट यानी पछतावे में मैंने पूरा दिन बिताया उस दिन का एक पार्ट इस इंसिडेंट ने बचा लिया सेव कर लिया यानी कि ये जो इंसिडेंट हुआ है क्रो का स्नो को गिराना मेरे ऊपर वो भी हेमलॉक ट्री से ये मेरे लिए नेगेटिव नहीं था बल्कि बहुत पॉजिटिव चीज़ हुई भाई जो पूरा दिन मैंने बर्बाद किया वेस्ट किया इन रिग्रेट उसका सम पार्ट जो है सेव हो गया यानी कि जो दिन मैं बोल सकता हूँ इस पूरे दिन का जो अच्छा पार्ट था वो यही था कि भाई जब ये इंस

लिया। तो हमेशा अगर कोई ऐसी चीज आपको देखने को मिलती है जहां पर कोई ना कोई सुपरस्टिशन जो है जुड़ा हुआ है कि भाई ऐसा हुआ तो कुछ नेगेटिव होगा ही होगा डोंट टेक इट एज इट इज उसे वैसे ही एक्सेप्ट मत कर लो जस्ट सी कि आपके साथ क्या हुआ एंड देन काइंड ऑफ मेक अ नोशन अबाउट इट ठीक है तो एक प्री कंसीव्ड नोशन यानी कि पहले से ही जो सोच बनाई जाती है ना वो मत रखो बल्कि पहले एक्सपीरियंस करो आपके लिए जैसा एक्सपीरियंस रहा ना वैसे उसको ट्रीट करो क्लियर तो ये पोएम बहुत ही ब्यूटिफुली समझाती है इस थॉट को ऑल राइट तो दिस वॉज द पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस नाउ लेट्स सी द समरी इन वेरी क्विक टाइम ठीक है Dust of Snow is a beautiful short poem written by Robert Frost. This poem tells that even a simple moment has a large significance. एक छोटे से moment का भी बहुत बड़ा असर हो सकता है right? पूरा दिन जो poet ने regret में बिताया उसमें एक छोटी सी चीज होने की वजह से जो उनके mood में changes देखने को मिले तो उस moment ने उनके पूरे दिन को change कर दिया The poet has mentioned crow and hemlock tree in this poem. किन दो चीजों की बात हुई है crow और hemlock tree की Crow signifying his depressive and sorrowful mood. Crow क्या बोलता है Crow जो है signify करता है death, sadness, right? तो यहाँ पर crow जो है क्या signify कर रहा है poet का वो mood, वो sorrowness, ठीक है And hemlock tree क्या है एक पॉइजनस ट्री बोथ दीज सिग्निफाई दैट पोएट वॉज नॉट इन अ गुड मूड और ये चीजें क्या बता रही हैं कि पोएट एक अच्छे मूड में नहीं थे यानी इनडायरेक्टली ये चीज़ें हमेशा नेगेटिव के साथ जुड़ी होती हैं और हमने पोएट की जो नेगेटिव मूड है उसके साथ भी इनको जोड़ा क्योंकि वी हैव अ प्री कंसीव नोशन अबाउट इट राइट एंड सो ही डिस्क्राइब्स द डार्क डिप्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ नेचर टू प्रजेंट हिस सिमिलर मूड और इसीलिए वो अपने मूड को जो भी उनका उस वक्त सिचुएशन था उसको सिग्निफाई करने के लिए ये डार्क डिप्रेसिव जो नेचर के साइड्स हैं हेमलॉक ट्री क्रो इनको उन्होंने यूज़ किया है क्लियर ऑल राइट The poet says that once he was in a sad, depressive mood and was sitting under a hemlock tree. एक बार poet कह रहे हैं कि मैं बहुत ही sad, depressive mood में था और मैं एक hemlock tree के नीचे बैठा था क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री शुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो दर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट रिमेन ऑन द सर्फेस ऑफ आफ्टर द स्नो फॉल जैसे ही स्नो फॉल होता है तो उसके बाद क्या होता है थोड़ी बहुत स्नो बच जाती है राइट तो वो स्नो जो है डस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो तो जैसे ही पोइट हेमलोग ट्री के नीचे बैठे थे उसी वक्त क्रो आया और उसने शुक ऑफ यानी कि उसने थोड़ी बहुत स्नो जो है डस्ट जो है वो पोइट के ऊपर गिरा दी रिमेन ऑन द सर्फेस ऑन द पोएट दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोएट मूड और ये एक छोटा सा मोमेंट छोटे से एक्शन ने पोइट का पूरा मूड चेंज कर दिया इज ही रियलाइज हुआ की दिन का एक पार्ट जो है वो वेस्ट कर चुका हूँ सिर्फ यही सोचते हुए कि रिपेंट करना यानी कि बहुत पछताना और दुखी होकर कि भाई ऐसा हो गया क्यों हो गया पर उससे मिलेगा क्या राइट अगर आप एक ही चीज को लेकर बार बार रिपेंट करते जाते हो यू गेट नथिंग राइट तो वैसे ही पोइट को रियलाइज हुआ दैट ही वॉज वेस्टिंग अ पार्ट ऑफ हिस क्लियर बट द चेंज इन मूड मेड हिम रियलाइज दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्टिविटी बट इस चीज की वजह से एक मूड में चेंज आया पोइट के और उनको लगा कि नहीं भाई मुझे अपना बाकी का दिन एक यूजफुल एक्टिविटी में बिताना चाहिए छोटा सा शार किसका डस्ट ऑफ स्नो का इस वजह से उनका मूड जो है वो एकदम से चेंज हो गया His spirit was revived and he got ready to utilize the rest of the day. और उनकी जो soul है जो spirit है जो आत्मा है वो एकदम से change हो गई revived. ठीक है और फिर क्या हुआ And he got ready to utilize the rest of the day. क्लियर यानी यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई क्रो है हेमलॉक ट्री है नेगेटिव चीज़ों से लिंक्ड है होगा क्या भाई पोइट पर जैसे ही स्नो हैमलॉक ट्री से गिरेगी बाय अ क्रो होगा क्या नेगेटिव ही कुछ होगा बट हुआ क्या उल्टा पोइट जो ऑलरेडी नेगेटिविटी से पूरे सराउंडेड थे सौरों से सराउंडेड थे दुखी थे रिपेंट कर रहे थे उसी वक्त इन दोनों चीज़ों की वजह से क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से जो स्नो गिरा और वो स्नो ने जिस तरीके से उनकी सोल को रिवाइव किया स्पिरिट को रिवाइव किया अन एवरीथिंग चेंज्ड फॉर द पोएट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव यही हमारी स्टोरी का मेन मॉरल है क्लियर ऑलराइट नाउ वी हैव बीन गिवन सर्टेन क्वेश्चंस लेट्स सॉल्व देम व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड एंड हाउ हैज द पोएट्स मूड

फिर पूछा है कि क्या हुआ जो पोएट का मूड चेंज हो गया फॉर्म ऑफ स्नो का पोएट पे उसकी वजह से उनका मूड चेंज हो गया हाउ has द poet's मूड चेंज अब क्या हुआ है के में? अब उनका मूड कैसा है सो so द wanted मूड चेंज फ्रॉम rest टू the.

द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर अब हमको इसी क्वेश्चन के पार्ट गिवन है ठीक है पहला क्वेश्चन वट आर द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन पोएम्स ठीक है कौन कौन से बर्ड्स होते हैं जो आप पोएम्स में ज्यादातर देखते हो डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मैं इन पोएम्स क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉज ने क्रो को मैंशन किया है बाकी पोएम्स में भी क्रो को मैंशन किया जाता है वॉट इमेजेस कम टू योर माइंड वेन यू थिंक ऑफ अ क्रो और आप जब भी एक क्रो के बारे में सोचते हो आपके दिमाग में क्या एक इमेज फॉर्म होती है चलिए आंसर करते हैं फ्रॉस्ट प्रस नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन द पोएम ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट है राइट कोई पॉइजनस ट्री कोई क्रो को क्यों यूज करेगा पोएम में जब ये दोनों नेगेटिव चीजों से लिंकड है बट पोएट ने बहुत ब्यूटिफुल इन दोनों चीजों को यूज किया है अभी किसकी बात हो रही है क्रो की तो हम बोल रहे हैं नेचर को बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया जनरली पोएट्स टेक द बर्ड एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर दे ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज ज़्यादातर पोइट्स क्या करते हैं वो नेचर की उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल वो ट्रीज हो या बर्ड्स हो, जो कि ब्यूटिफुल हो, जिनकी जो क्वालिटी है वो पॉजिटिव क्वालिटी के लिए जाने जाते हो जैसे कि पीकॉक पीकॉक इज़ अ ब्यूटिफुल वर्ड राइट कलरफुल बर्ड पैरट कुकू मै ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा यानी बर्ड्स जो बहुत ब्यूटिफुल होती है जिनकी वॉइस मेलोडियस होती है जिनको उनकी ब्यूटिफुल चीज़ों की वजह से जाना जाता है उन्हीं बर्ड्स को पोएट यूज़ करते हैं दूसरी बात जो ट्रीज़ जो हैं फुल्ली ब्लॉसम करती हो फ्लावर्स हो ग्रीनरी हो ब्यूटिफुल हो किसी ना किसी तरीके से जो है लोगों के काम आते हो उन्हीं को पोएट्स यूज़ करते हैं क्लियर बट हेयर फ्रॉस्ट हैजन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया है उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से नेचर को यूज़ किया है ही चोज अ क्रो विच इज़ नॉट ऑफन यूज इन पोएम्स उन्होंने क्रो को यूज़ किया अपनी पोएम में जो ज़्यादातर पोएम्स में यूज नहीं होता है क्रो इज़ ब्लैक एंड कलर विथ वेरी हार्श वॉइस एंड इज बिलीव टू बी अ सिम्बल ऑफ बैड ओमेन क्रो को हम बोलते हैं भाई ये ब्लैक इन कलर है और ब्लैक को हमेशा पता नहीं क्यों नेगेटिव ट्रीट किया जाता है माई फेवरेट कलर इज ब्लैक आई डोंट नो वाइट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव तो क्रो ब्लैक कलर का है पहली बात दूसरी बात विच इज़ नॉट ऑफन यूज इन पोएम्स विथ वेरी हार्श वॉइस क्रो की आवाज़ भी कैसी होती है बहुत हार्श होती है right? राइट आपने सुनी होगी हो जब क्रो जब बोलता है उसकी आवाज चुभती है राइट right? तो उसकी वॉइस भी अच्छी नहीं है यानी ये भी अच्छी बात नहीं है नेक्स्ट एंड बिलीव टू बी सिम्बल ऑफ बैड ओमेन और गलत जो बैड सिंबल्स होते हैं डेथ के लिए स्पेशली सिग्निफाई किया जाता है किसको क्रो को थिंकिंग ऑफ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सोरफुल पिक्चर्स टू आर माइंड तो कैसी इमेज फॉर्म होगी भाई एक सोरोफुल डिप्रेसिंग सैड पिक्चर्स फॉर्म होती है अगर हम क्रो के बारे में सोचते हैं यानी क्रो को सोच के किसी के भी दिमाग में ब्यूटिफुल इमेज फॉर्म नहीं होती है बट फिर भी रॉबर्ट फ्रॉस ने उन्हें यहाँ पर यूज किया है क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का अगेन व्हाट इज अमलॉक ट्री हेमलॉक ट्री क्या है हमें ऑलरेडी मीनिंग पता है ऐसा ट्री जो पॉइजनस होता है वाइट फ्लावर्स होते हैं राइट वाई नॉट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एस मेपल ट्री ओक ट्री और अ पाइन ट्री जैसे बाकी के पोएट्स जो हैं मेपल ओक पाइन इन ब्यूटिफुल ट्रीज का यूज करते हैं अपनी पोएम्स में वहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक ऐसे ट्री का यूज क्यों किया है जो कि है हैमलॉक ट्री जिसका लोग ज्यादातर यूज नहीं करते सो so, हेमलॉक ट्री क्या है एक पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स ऑलरेडी हमको पता है नाउ पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिड नॉट चूज टू यूज एन ओक मेपल और पाइन ट्री Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. क्यों भाई Actually, he did so to present his mood and feelings. क्योंकि उनको अपने mood, अपने feelings को present करना था indirectly कि भाई मेरा mood कैसा था पहले एक पॉइजनस ट्री की तरह एक क्रो की तरह जिन्हें हम हमेशा नेगेटिव की तरह ही देखते हैं वैसा था मेरा मूड राइट right? तो वो मूड को सिग्निफाई करने के लिए उन्होंने किसी भी ब्यूटिफुल वर्ड या ब्यूटिफुल ट्री का यूज नहीं किया क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वॉट डू द क्रो एंड हैजेंट जॉय और सोरो ऑब्वियसली सोरोइट What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? What dust of snow jo hai, wo kya signify? Hai? So, the crow in hemlock tree represents sorrow and depression. फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है हर चीज में हम जो है फीलिंग्स ह्यूमैनिटी इन सब पे नहीं जज करते हम किस पे जज करते हैं भाई कितना कौन रिच है कितना सक्सेसफुल है जॉब कितनी अच्छी है सैलरी कितनी अच्छी है इन सब चीजों पर हम जज करते हैं इंसान को राइट वो कितना हैप्पी पर्सन है उसका नेचर कितना अच्छा है वो कितना वेलकमिंग है उस पर आप कभी जज नहीं करते जज किस पे करते हो मटीरियलिस्टिक चीजों पर तो पोएट भी इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने मूड को क्रो और हेमलो ट्रीट

डस्ट ऑफ स्नो द क्रो शेक्स ऑफ अमलॉक ट्री मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट द पोइट इज एंट्रिंग इन टू द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्मी की क्रो और हेमलॉक ट्री से एकदम से डस्ट ऑफ स्नो की बात हुई सैड डिप्रेसिंग सोरो मूड से पोइट का एकदम से जॉयफुल हो जाना ऑप्टिमिस्टिक हो जाना पॉजिटिव हो जाना यह सब सिग्निफाई करता है डस्ट ऑफ स्नो क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज होपलेस क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई टाइम आया जब आपको ऐसा लगता है कि अब सब खत्म होपलेस डिप्रेस राइट है मोमेंट दैट चेंड यूर मूड दैट डे और क्या फिर एकदम से उस दिन ऐसा कुछ होता है जो आपका मूड चेंज कर देता है आपको लगता है नहीं यार देर इज होप देर इज समथिंग गुड चलिए एक्साम्पल देखते हैं देयर हैव बीन इन न्यूमरेबल टाइम्स वेन आई टू हैव फेल डिप्रेस एंड होपलेस बिल्कुल हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि इतनी बार ऐसा लगता है ना कि भाई क्यों है हम कुछ किया ही नहीं जिंदगी में जब आप किसी ऐसे इंसान को देख लेते हो जो आपसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है किसी ऐसे की बात सुन लेते हो जो आपसे छोटा होता है बट उसको बहुत कुछ आता है आप क्या करते हो आप फील करते हो यार मैं क्या हूँ यार यूजलेस हूँ होपलेस हूँ जो कि गलत है ठीक है तो इस तरीके के हमेशा हर किसी की लाइफ में सिचुएशन आते हैं Sometimes sometimes such moments were aroused by other people's and and attitude, and sometimes, due to my own conduct. कभी, कभी, Most of of the time point of view action की से, की से, आपको लगता है आप गलत हो और या फिर क्या होता है आप खुद ब खुद अपने अंदर वो निगेटिविटी डेवलप करते हो यार मेरे में कुछ अच्छा है ही नहीं ना तो मैं सिंगर हूँ ना डांसर हूँ अच्छा पढ़ाई करता हूँ ना कुछ कर पाऊंगा ऐसा कुछ नहीं आप में कुछ तो अच्छा होता है जो आप ढूंढने में टाइम नहीं लगाते हो बल्कि टाइम वेस्ट कर रहे होते हो ये सोचने में कि मेरे में ये ये क्वालिटीज नहीं है ऑन वन ओकेजन वेन आई वॉज वेरी अपसेट आई वेंट आउट फॉर अ वॉक एक दिन क्या हुआ एक्साम्पल लिखा है ठीक है एक दिन क्या हुआ जब मैं बहुत अपसेट था तो मैं वॉक करने के लिए बाहर गया वाई वॉकिंग इन द पार्क आई सॉ अ गर्ल प्लेइंग विद अ पपी एम्बरेजिंग एंड फीडिंग हिम तो मैं जैसे ही पार्क में वॉक कर रहा था मैंने देखा एक बच्ची जो है एक पपी को डॉग के जो बच्चे होते हैं उनको जो है बहुत प्यार से सहला रही थी एंड शी वॉज फीडिंग दैम द समथिंग दिस लिटिल जॉय दैट द शेयर चेंज माई मूड ये जो छोटा सा मोमेंट था जॉय का जो ये एक पेट और एक ह्यूमन बींग शेयर कर रहे थे आपस में उसकी वजह से मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे और बाकी के दिन के लिए मैं बहुत खुश फील कर रहा था आई also joined द टू एंड played विद them और अपनी खुशी को और बढ़ाने के लिए अपने आगे के दिन को और ज़्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए मैं भी उस डॉगी और उस बच्ची के साथ खेलने

क्लियर तो आई होप ये पोयम से आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी कुछ यू नो डेवलप हुआ हो कि हाँ भाई ऐसा होता है और मुझे अब क्या करना है क्लियर ऑलराइट सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ अ टॉपिक व्हिच इज डस्ट ऑफ स्नो यानी कि ये जो पोयम है आपको फर्स्ट चैप्टर में मेंशन है अ लेटर टू गॉड में वी आर वेरी मच क्लियर विद द मीनिंग द समरी एंड व्हाट पोएट वांटेड अस

फर्स्ट वन इज डस्ट ऑफ स्नो जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं द सेकेंड वन इज फायर एंड आइस जो आज हम डिस्कस करेंगे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं उन्होंने ही ये दोनों पोएम्स लिखी हैं डस्ट ऑफ स्नो भी और फायर एंड आइस भी अब आपको हर एक हर एक एक चैप्टर के और पोइट्स को ध्यान में रखना है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अगर आपको एक एक्सट्रैक्ट एक बेस्ड क्वेश्चन आता है दैट इज अगर आपको कोई भी वन ऑफ दिवन हो वन ऑफ दैराग्राफ या स्टैंड ऑफ द चैप्टर और द पोयम इन द क्वेश्चन पेपर और उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है हु इज द ऑथर ऑफ द अबव लेसन और हु इज द पोएट हु हैज रिटन द फॉलोइंग लाइंस क्लियर तो हमेशा पोएट और ऑथर ध्यान में रखना है क्लियर तो जो हमारी पोयम है फायर एंड आइस यह भी लिखी गई है बाय रॉबर्ट

जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के लिए सिंबलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं यानी अगर हम एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं जो कि किसी और चीज़ के बारे में हमें सिंबल दे रहा है हमें सिग्निफाई कर रहा है हमें बता रहा है दैट इज़ वॉट वी मीन बाय अ सिम्बोलिक पोयम क्लियर अब ये जो फायर और आइज है द टाइटल ऑफ द पोए इसमें ही अगर हम देखें तो फायर किसी एक चीज को और आइज किसी दूसरी चीज को सिंबलाइज़ कर रहा है क्लियर अब हम अगर ये सोचें कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया खत्म हो सकती है दैट इज वो जो क्वालिटीज है या बोल सकते हो वो कौन से चीजें हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स में आपस में जो है ह्यूमैनिटी पेरिश होती जा रही है क्लियर एक दूसरे के लिए जो अच्छी सोच है वो खत्म होती जा रही है एंड फाइनली अगर यही चीज बढ़ती जाएगी इसका बार बढ़ता जाएगा क्लियर अब ऐसी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोएम में सिग्निफाई की हैं वो है डिजायर एंड हेट्रिट डिजायर का मतलब जब हमें हर किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि एक मन होता है राइट right? कि ये भी हमारा हो ये भी हमारा हो दैट इज वॉट अ डिजायर मीन्स राइट किसी की विश विश भी कैसे जब हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा एक यू नो फायर होती है अंदर कि भाई चाहिए तो चाहिए राइट right? अब ये जो डिज़ायर है इसे आप बोल सकते हो धीरे धीरे सेल्फिशनेस ग्रीडीनेस इन सब में चेंज होती जाती है राइट right? तो क्या होगा फाइनली ह्यूमन बीइंग्स में जो ये डिफरेंट डिजायर्स हैं जो आपको चीजें चाहिए लाइफ में कि भाई ये भी मेरा हो ये भी मेरा हो ये सारे जो डिजायर्स हैं फाइनली क्या करते हैं भाई आपको सिर्फ हर एक इंसान से अलग करते हुए जा रहे हैं और अल्टीमेटली ये जो डिजायर्स हैं ये वर्ल्ड को एंड कर सकते हैं क्लियर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हेट्रेट जो हेट है ह्यूमन बीइंग्स में जो हर किसी के लिए आप ये सोचते हो भाई हमें किसी पे विश्वास नहीं है ये भी हमको पसंद नहीं है राइट right? ये बहुत ज़्यादा हो गया है तो जो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में एक दूसरे के लिए हेटरेट बढ़ता जा रहा है दैट कैन आल्सो बी वन मोर रीजन जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड एंड हो सकता है क्लियर तो रॉबर्ट फ्रॉस ने बहुत डिजायर और हेटरेट को फायर और आइस से कंपेयर करते हुए कुछ ब्यूटिफुल लाइन्स लिखी हैं विच इज टाइटल्ड एज फायर एंड आइस क्लियर तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोएट हु इज रॉबर्ट फ्रॉस सो फायर एंड आइज इज अ शॉर्ट

होना चाहिए और बेसिकली आप क्या लिख सकते हो कि भाई वो पोइट कौन है उनका नाम ही और शी इज अ ब्यूटिफुल पोएट हैज रिटर्न अ ब्यूटिफुल पोयम विच इज वट एवर इज द

सम से इन आइस अब यहां तक ये जो सम से है ये एक साइंटिफिक फैक्ट लिखा हुआ है कि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि एक दिन जो वर्ल्ड है जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होगा पूरी तरीके से जो वर्ल्ड है वो हीट फायर जो है उससे जल जाएगा एंड द वर्ल्ड विल एंड तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर इसका मतलब है कि कुछ लोगों का मानना है कि वर्ल्ड जो है वो बहुत ज्यादा हीट की वजह से खत्म हो जाएगा एंड से इट विल एंड इन आइस दिस मीन्स कि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बल्कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाएगा द टेम्परेचर विल फॉल डाउन टू अ वेरी लो लेवल और जिसकी वजह से द वर्ल्ड विल एंड क्लियर तो ये तो एक साइंटिफिक थ्योरी है कि हाँ भाई कुछ लोग कहते हैं कि हीट बढ़ जाने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं भाई टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बल्कि टेम्परेचर गिरेगा इट विल फॉल डाउन और इसकी वजह से वर्ल्ड विल एंड क्लियर फ्रॉम व्हाट आई हैं बट जो मैंने देखा है फ्रॉम वॉट आई डिजायर यानी अगर मुझे बात करनी हो डिज़ायर की विश की ठीक है तो अगर मैंने उसे टेस्ट किया है या मैं बोलूं कि मैंने जब लोगों को के डिज़ायर्स के बारे में देखा है मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं आई होल्ड विद फेवर फायर मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ या मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो कहते हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर

पोइट का ये मानना नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ने से अर्थ खत्म होगी उनके लिए फायर का मतलब क्या है डिजायर यानी कि जो होता है ना बर्निंग डिजायर जो आप फायर से कंपेयर कर सकते हो यानी किसी के अंदर वो फायर होती है ना बहुत आग है इस इंसान में राइट right? तो वहां आपने फायर को कम्पेयर करते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि आई विल डेफिनेटली सपोर्ट द पीपल जो कहते हैं कि दर्ल्ड विल एंड इन फायर क्लियर बट इफ इट हैड टू पेरिश टाइज आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट बट पोइट का मानना है कि अगर वर्ल्ड जो है वो दो बार खत्म होगा पेरिश का मतलब क्या होता है डाय ठीक है डिस्ट्रॉय हो जाना एंड हो जाना तो पोइट कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि अगर मैं ऐसा चाहूँ या ऐसा कहूं कि वर्ल्ड जो है वो दो बार फिनिश होगा दो बार पेरिश होगा दो बार उसकी बोल सकते हो एंडिंग होगी Then I think I know enough of hate. तो मैं डिजायर की बात तो कर चुका हूं बट मैं हेट के बारे में भी कहना चाहूंगा कि भाई ये जो हेट है दुनिया में जो ह्यूमैनिटी खत्म हो रही है लोगों में एक दूसरे के लिए हेटरेट बढ़ रहा है उस हेट को अगर मैं कंसिडर करूं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज तो फिर मेरा मानना है कि भाई फिर आइस का जो थॉट है कि कुछ लोग कहते हैं कि आइस में जो है पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो फिर मैं अगर हेट को कंसिडर करूं तो फिर मैं आइस वाला फैक्ट भी सपोर्ट करूंगा कि हां भाई अगर दुनिया दो बार पेरिश होती है तो फिर वो आइस से भी पेरिश या डाई कर सकता है क्लियर सफाइस का मतलब एंड वुड सफाइस सफाइस मीन बी सफिशेंट यानी कि द रीजन फॉर द अर्थ

रीजन है इट कुड ऑल्सो सफाइस यानी इट कैन ऑल्सो बी सफिशियंट रीजन क्लियर तो लाइन बाय लाइन समरी हमें क्लियर है इन शॉर्ट अगर हमें बोलना है कि एक पूरा कंक्लूजन लेना है पोएम का तो यहां पोएट का मानना है कि दो चीजें हैं जिसकी वजह से दुनिया खत्म होगी यानी उनका ये साइंटिफिक फैक्ट को मानने की बात नहीं है उनका मानना है जो ह्यूमन बींग्स में हेटरेड और डिजायर बढ़ रहा है ये दो कारण हो सकते हैं फॉर द वर्ल्ड टू पेरिश क्लियर तो लाइन बाय लाइन हमें क्लियर हो गया है कि पोइट ने हर एक लाइन में क्या कहा है क्लियर नाउ लेट्स सी द कंप्लीट समरी ऑफ द पोएम फायर एंड आई इज अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसके थ्रू लिखी गई है पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अफुल शॉर्ट पोएम इन दिस पोएम द पोइट रेफर्स टू टू प्रिडिक्शन वर्ल्ड इस पोएम में पोइट ने दो चीजें प्रिडिक्ट की हैं, राइट क्या फोरकास्ट किया है ऐसा उन्होंने सपोज किया है कि भाई मुझे लगता है दो चीजों की वजह से दुनिया खत्म हो सकती है पहला फायर दूसरा आइस सम से इट विल एंड इन फायर वे रास अदर्स से इट विल एंड इन आइस कुछ लोग कहते हैं कि भाई फायर की वजह से यानी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई आइस होगा वो रीजन जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड फॉर डिजायर वेरी इंपॉर्टेंट ये बार बार अगर आपको इस पोएम में से देखो इतनी छोटी सी पोएम है क्वेश्चन आएंगे भी तो क्या आएंगे राइट right? कि भाई पोएट ने फायर को किससे कंपेयर किया है आइस को किससे कंपेयर किया है वो कौन से दो रीजनस हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड पेरिश हो सकता है फिर आपको पेरिश और जो सफाइस वर्ड है इनके सिनोनिम्स सिन पूछे जा सकते हैं वट एल्स कैन बी आज इन दिस राइट right? या फिर आपको ये समराइज पूछी पूरी समरी पूछी जा सकती है कि भाई हाँ मुझे आप कुछ अराउंड 80 टू 100 वर्ड्स में पूरी समरी लिख के बताइए राइट right? तो फिर आपको इनके अलावा आई डोंट थिंक और कोई क्वेश्चन पॉसिबल है पूरी पोएम में सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी लाइन क्लियर तो अकॉर्डिंग टू पोएट फायर का मतलब है डिजायर ठीक है इसके पहले जो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर उनका मतलब एक्चुअल फायर से है यानी टेम्परेचर बढ़ेगा सब कुछ जल जाएगा राइट right? और आइस का मतलब उनका क्या है कि टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि लोगों की जो बोल सकते हो ना कि लिविंग कैपेबिलिटी या फिर जीने की जो क्षमता है वो नहीं रहेगी ठीक है हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही रह सकते हैं अगर बहुत ज्यादा कम टेपरेचर हो जाए तो पूरी दुनिया जो है वो जीवित ही नहीं रहेगी राइट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द पीपल टू लिव तो वो रीजन है बट पोएट ने क्या किया है उन्होंने फायर को डिजायर से और आइस को हेटरेट से कंपेयर किया अकॉर्डिंग टू पोएट द फायर स्टैंड फॉर डिजायर ग्रीड एवरेस्ट और लस्ट यानी किसी भी चीज को पाने की बहुत स्ट्रॉन्ग जो बिलीव होता है उसे आप कह सकते हो या जो लालच होती है उसे कह सकते हो कि भाई दिस इज वॉट पोएट मीन्स बाय द वर्ड फायर क्लियर यानी आपको डायरेक्टली जो लाइन्स गिवन है पोएम की उसमें तो फायर को डिजायर से कंपेयर करते हुए देखा है बट उस डिजायर का मतलब क्या है किसी भी चीज को पाने की वो स्ट्रॉन्ग विल बिलीव राइट वो बोल सकते हो एक ग्रीड जो है लालच जो है एक सेल्फिशनेस जो है कि हाँ भाई सब कुछ मुझे मिल जाए वो चीज जो है पोएट ने फायर से कंपेयर किया है क्लियर द मोर यू ट्राई टू सैटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो देयर इज नो एंड टू इट सेम वे अगर फायर की बात करो फायर अगर बिगिन हो राइट स्टार्ट हो तो क्या होगा धीरे-धीरे वो बढ़ती जाती है राइट धीरे-धीरे क्या होगा अगर आपने एक बस एक छोटा सा बोल सकते हो एक हिस्सा ले लिया लैंड का वहां पे आपने फायर ग्रो कर दी ठीक है जला दिया आपने वहां का एरिया धीरे धीरे क्या होगा वो पूरा एरिया जो है जल जाएगा राइट right? तो फायर क्या करता है धीरे धीरे ग्रो करता है सेम वे में जो डिजायर्स हैं आपके जितना आप जो है उनको सैटिस्फाई करते जाते हो जितना आप अपने डिजायर्स को फुलफिल करते जाते हो उतने डिजायर्स आपके बढ़ते हैं राइट दे नेवर एंड वो ग्रो ही होते हैं तो सेम वे में पोएट ने फायर और डिजायर को कंपेयर किया है दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर डिज़ायर का क्या है भाई कि वो जैसे फायर जो है बढ़ती जाती है बहुत तेजी से बढ़ती है राइट वैसे ही डिज़ायर्स को भी कम टाइम ज्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत कम समय में वो बहुत एकदम से बढ़ जाते हैं एंड इनगल्फ योर होल लाइफ और वही डिज़ायर्स आपकी पूरी जिंदगी को खा जाते हैं इनगल्फ कर जाते हैं निगल जाते हैं Clear, तो जो डिजायर है आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं बोलना चाहिए जो आपकी विश है आपके ड्रीम्स है, वहां तक है. But जैसे ये में होते कि नहीं भाई चाहिए ही, चाहिए ही तब क्या होता है आपकी लाइफ जो है वो धीरे धीरे एंड होने लगती है वन बिकम सेल्फिश एंडाइम्स क्रूअल ऑल्सो क्या होता है धीरे धीरे डिजायर्स जो हैं अगर आपके पूरे होने लगते हैं या फिर आपको एक चीज जो है मिल जाती है तो आप धीरे धीरे सेल्फिश होते जाते हो कि हाँ भाई ये मिल गया मुझे ये भी चाहिए मुझे ये भी चाहिए मुझे ये भी चाहिए राइट तो वो ग्रीड बढ़ता जाता है वो सेल्फिशनेस बढ़ती जाती है और धीरे धीरे क्या होता है आप क्रूअल हो जाते हो आपका नेचर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है आप किसी से भी अच्छे से बात नहीं करते हो जस्ट बिकॉज आपके डिजायर्स पूरे हो जाते हैं तो आप मी माई सेल्फ में रह जाते हो और किसी और से ढंग से बात करने की कोशिश नहीं करते हो तो अल्टीमेटली डिजायर क्या करता है वो आपकी लाइफ को खत्म कर रहा है डिस्ट्रॉय करता है

यानी का ये जो जो है कि भाई उन्हें किसी से फरक नहीं पड़ता जो वो stone -hearted हो जाते हैं हर किसी से हेट करने लगते हैं ये रीजन भी हो सकता है फॉर द वर्ल्ड टू एंड क्लियर वन बिकम्स एंड इनडिफरेंट टूवर्ड्स द फीलिंग्स ऑफ अदर सेम चीज भाई जो स्टोन हार्टेड हो जाते हो आप

The poet says that both fire and ice are growing with such a rapid speed that the world would soon perish either way in fire or in ice. तो पोएट का अल्टीमेट जो कहना है वो ये है कि भाई इतनी तेजी से इतनी रैपिडली ये सेल्फिशनेस हेटरेट डिजायर्स ग्रीडीनेस ये सब बढ़ रहे हैं इंसानों में कि इसकी वजह से वर्ल्ड जो है अगर खत्म होगा एंड होगा तो वो दोनों में से किसी भी एक रीजन की वजह से हो सकता है इट कैन ईदर भी फायर और इट कैन बी आइस क्लियर ऑल राइट अब हमें कुछ एन के क्वेश्चंस गिवन हैं रिगार्डिंग दिस पोएम ठीक है और हमें ऑलरेडी समरी क्लियर हो चुकी है इसमें क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये पोएम लिखी किसने भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ठीक है इस पोएम को आप बोल सकते हो ये एक तरीके की सिंबॉलिक पोयम है क्योंकि देखो आप हेटरेट को आइस से और डिजायर को फायर से सिम्बलाइज कर हो राइट दूसरी बात आपको क्या देखना है कि भाई जो ये टाइटल है फायर और आइस का मतलब क्या है कि कुछ लोगों का मानना है फायर और कुछ लोगों का मानना है आइस रीजन होगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया पेरिश हो जाएगी खत्म हो जाएगी और वहीं पोइट ने फायर को डिजायर से और आइस को हेट्रेड से कंपेयर करते हुए कहा है कि येस इधर द डिजायर और देट्रेड ऑफ ह्यूमन बींग कैन बी द रीजन फॉर द वर्ल्ड टू पेरिश क्लियर इसके अलावा आपको लाइन बाय लाइन समरी ऑलरेडी क्लियर है तो एक समरी आपको पता है कि भाई किस तरीके से वर्ल्ड एंड हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पोएट एंड द लास्ट थिंग वी शुड शुड यू बी अवेयर ऑफ इज कि मीनिंग्स क्या है वर्ड के दो ही नए वर्ड्स आए थे एक पेरिश और एक सफाइस क्लियर पेरिश का मतलब कंप्लीटली एंड डिस्ट्रॉइड और सफाइस सफाइज बी सफिशेंट ठीक है इनफ होना क्लियर अब हमें कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस गिवन है सॉल्व देम ऑलराइट देर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड बहुत आइडियाज है Do you think the world will end someday? आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है कि आपको क्या लगता है कि क्या वर्ल्ड एक दिन एंड हो जाएगा या फिर ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी है सन गेट्स सो हॉट दैर इट बर्स्ट और ग्रोज कोल्ड एंड कोल्ड क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक दिन ऐसा हो कि सन का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए ऑलरेडी इतना टेम्परेचर है बट बहुत ज्यादा बढ़ जाए जिसकी वजह से सन जो है वो बर्स्ट हो जाए या फिर सन का टेम्परेचर बिल्कुल गिर जाए और बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हो कोल्डनेस आ जाए राइट right? क्योंकि सन ही है जिसकी वजह से क्या होता है एक टेम्परेचर मेंटेन होता है राइट बट अगर सन ही नहीं हो वो खुद ही एक वो कोल्ड बॉडी बन जाए देन क्या वर्ल्ड एंड होगा तो आपसे पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है सबसे पहले बोला है कि लोगों के क्या आइडियाज है तो वो आपको अकॉर्डिंग टू मेंशन करना है देन आपको खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है चलिए एक सैपल आंसर देखते हैं देर आर डेफिनेटली मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड डेफिनेटली बहुत सारे आइडियाज हैं कि वर्ल्ड एंड कैसे हो सकता है आई डो बिलीव दैट दर्ल्ड बहुत अच्छी लिखा है कि मुझे भी लगता है, जो राइटर है उसका भी मानना है कि बिल्कुल वर्ल्ड जो है एक ना एक दिन एंड होगा क्योंकि अगर किसी चीज की बिगनिंग होती है शुरुआत होती है तो उसका एंड उसका अंत भी होता है क्लियर तो ये yes, जो भी एक सैम्पल आंसर है कि यहाँ पर हम मान रहे हैं कि हाँ वर्ल्ड विल एंड वन डे दिस स्टैंड ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो और बिल्कुल सेम वे में जैसे जिसकी भी बिगनिंग होती है उसका एंड होता है ये पॉइंट वर्ल्ड के लिए पूरी दुनिया के लिए भी बोल सकते हो कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है ऐसा हुआ कभी कि सन जो है वो बर्स्ट हो जाए द होल ऑफ़ दर्थ वेरिश इमीडिएटली एज नो पार्ट ऑफ दर्थ कैन बेर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी राइट थोड़ी बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो कितनी हालत खराब हो जाती है लोगों की राइट right? तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सन का टेम्परेचर कुछ इतने लेवल तक बढ़ जाए कि वो खुद बर्स्ट हो जाए राइट right? तो उतनी इंटेंसिटी की हीट आई डोंट थिंक कोई भी सहन कर सकता है राइट देर इज नो बडी ऑन दिस अर्थ जो कि इतने टेम्परेचर को सहन कर सकता है तो अल्टीमेटली क्या होगा अगर सन जो है बर्स्ट हो जाएगा इतने हाई टेम्परेचर की वजह से तो वर्ल्ड इज डेफिनेटली दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बट इफ द्रुप कोल्डर एंड कोल्डर एन एंड एज विदाउट सनलाइट लाइफ विल एंड राइट right. क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ कि टेम्परेचर गिरने की बात हो रही पहले हमने क्या बोला टेम्परेचर का बढ़ता जाएगा सन वर्स्ट हो जाता है तो इतनी इंटेंसिटी ऑफ हीट की वजह से भी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी राइट दूसरी जगह अगर हम बोल रहे हैं कि अर्थ जो सन है वो कोल्डर कोल्डर और colder होता जाएगा जाएगा बहुत गिर जाएगा, तो इसकी वजह से भी क्या होगा पूरा वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा क्योंकि सनलाइट के बिना कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है या इतने कम टेम्परेचर में लाइफ की पॉसिबिलिटी होना नहीं है क्लियर तो इस क्वेश्चन को आपको पूछा क्या गया था सबसे पहले कि कितने सारे लोगों के व्यूज हैं मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड चाहो तो यहां लिख सकते हो कि देर आर डेफिनेटली मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड लाइक इन द पोएम सम पीपल बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस तो आप चाहो तो ये लाइन्स भी यहाँ पर एड कर सकते हो डिपेंड्स आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है क्लियर बट आई वुड रियली एडवाइज यू कि हमेशा कोशिश करो कि जो चैप्टर या जिस पोयम से आपको पूछा गया है क्वेश्चन उसका कुछ ना कुछ लाइन्स जो है यहाँ पर मैंशन करो लाइन्स यानी एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं यानी उनका कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन यहाँ पर लिखने की कोशिश करो क्लियर फिर आपसे पूछा था आपका क्या मानना है और अगर आपको एक हिंट दे दी कि सन का टेम्परेचर बढ़ता जाए कि वो बर्स्ट हो जाए या सन का टेम्परेचर कम होता जाए कि वो कोल्डर या कोल्डर होता जाए तो फिर आपको क्या लगता है लाइफ का क्या होगा तो हमने एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन से यहाँ पर आंसर देख लिया क्लियर ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम है फायर एंड आइस उसमें फायर और आइस को किससे सिंबलाइज किया है पोएट ने तो हमें पता है भाई फायर को सिंबलाइज किया गया है डिजायर से और आइस को सिंबलाइज किया गया है हेट्रेट से या हेट से राइट right. फिर हमें गिवन है आर सम आइडियाज़ तो फॉर दिस हैव टू नो टू थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल फायर और आइस का मतलब क्या है वो हमने देख लिया है राइट right? फायर मतलब किसी चीज के लिए जो बर्निंग डिजायर होता है एक बर्निंग फीलिंग होती है कि हाँ भाई चाहिए ये हर चीज चाहिए आइस का क्या होता है कि जब आप स्टोन हार्टेड कोल्ड पर्सन हो जाते हो हर चीज के लिए इनसेंसिटिव हो जाते हो दैट इज वॉट आइस राइट तो हमें फायर और आइस का मीनिंग पता है अब इन वर्ड्स का मीनिंग भी अगर हमें पता हो देन वी कैन डेफिनेटली पुट दीज वर्ड्स इन द कॉलम ऑफ फायर और आइस राइट फर्स्ट वर्ड इज ग्रीड ग्रीड मीन्स लालच राइट right? किसी चीज के लिए जब आपको वो होता है ना कि वॉन्ट एक कि मुझे ही चाहिए हर चीज ये भी मुझे मिल जाए हर चीज की ज्यादा जब आपको लगता है कि मुझे हर चीज ज्यादा मिले दैट इज वॉट ग्रीड नेक्स्ट इज एवरेज एवरेज ऑल्सो मीन आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा नीड होती है कि भाई अनवॉन्टेड होता है ना जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा मोर देन एनी थिंग वेन यू वॉन्ट दैट इज ऑल्सो एवरेज नेक्स्ट इज क्रुएलिटी क्रुएलिटी यानी कि जब कोई पर्सन क्या होता है किसी के लिए बहुत बोल सकते हो एक नेगेटिव या गलत बिहेवियर दिखाता है राइट right? जब आप इनसेंसिटिव होते हो किसी के लिए क्रूअल हो जाते हो कठोर हो जाते हो दैट इज वॉट क्रुअलिटी मीन्स नेक्स्ट इज लास्ट ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग वेन यू स्ट्रांगली वॉन्ट समथिंग जब किसी चीज का स्ट्रांग वॉन्ट होता है दिमाग में दैट इज वॉट अ लास्ट मीन्स नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट मीन्स जब झगड़े होते हैं आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसे आप क्या कहते हो कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट फ्यूरी फ्यूरी मीन्स होता है वॉयलेंस राइट right? जब आप बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाते हो गुस्से वाले हो जाते हो दैट इज वॉट फ्यूरी मीन्स नेक्स्ट इज इन टॉलरेंस इन टॉलरेंस मतलब जब किसी चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते दैट इज इन टॉलरेंस यानी आपको जब किसी भी फीलिंग किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी चीज़ से आप जो है स्टैंड नहीं करते हो कि नहीं भाई मैं टॉलरेट नहीं कर सकता ये चीज़ भी गलत है ये भी चीज़ गलत है वो क्या हो जाता है इन टॉलरेंस राइट नेक्स्ट इज रिजिडिटी कठोरता यानी आप जो हो रिजिट होर चीज के लिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता यू आर अ पर्सन हु इज कोल्ड हार्टेड स्टोन हार्टेड यानी कि रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब किसी पॉइंट पे आप खड़े हो गए कि नहीं भाई ये ऐसा ही है तो फिर वो भले ही सही हो गलत हो आप किसी की नहीं सुनोगे दैट इज वॉट पर्सन इज लाइक नेक्स्ट इज इनसेंसिटिविटी यानी जब किसी चीज के लिए आप बहुत हो आपको किसी की फीलिंग्स किसी के इमोशंस के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता दैट इज वॉट इनसेंसिटिविटी मीन्स नेक्स्ट इज कोल्डनेस सेम चीज कोल्डनेस का मतलब क्या होता है कि भाई जब बहुत कठोर होता है इंसान स्टोन हार्टेड कोल्ड सेम चीजें रिपीट हो रही है बस आपको डिफरेंट वर्ड नेक्स्ट इज इन डिफरेंस इन डिफरेंस यानी कि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो राइट या फिर आप हर किसी से अलग रहो हर चीज में आपको अपना अलग ओपिनियन देना हो राइट वो क्या हो जाता है इन डिफरेंस यानी कह सकते हो इन डिफरेंस का मतलब सॉर्ट ऑफ इनसेविटी से रिलेटेड है कि भाई आपको हर चीज जो है वो आपके हिसाब से चाहिए राइट तो वो हो जाता है इन डिफरेंस एंड नेक्स्ट इज

एवरेस्ट लस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी यानी ये वो वर्ड है जो फायर के लिए स्टैंड करते हैं देखो ग्रीड ठीक है लालच वही होता है बोला जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ट होती है किसी चीज की तो वो भी डिजायर ही है एवरेस्ट भी नेक्स्ट इज लास्ट लास्ट ऑल्सो इज वॉट स्ट्रॉन्ग वॉन्ट ऑफ समथिंग सो दिस इज ऑल्सो वॉट अ डिजायर नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा क्यों जब आपकी होगी नहीं आपके हिसाब से तभी तो झगड़े होंगे तो झगड़े होते क्यों है? वो सेल्फिशनेस ग्रीड वो की वजह से होते हैं तो अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट भी एक फायर एक डिजायर को रिलेट करता है नेक्स्ट Fury. Fury is also what? Violence. किसी चीज़ चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा गुस्सा? करना, right? क्यों करोगे गुसा? जब वो चीज़ आपको नहीं मिल रही होगी, या आपको वो चीज़ चाहिए, तो you will be violent for it, right? कि नहीं भाई चाहिए ही चाहिए। तो वो क्या हो जाता है वो भी डिजायर या फायर को ही सिम्बलाइज करता है तो ये सारे वर्ड जो है वो फायर को सिम्बलाइज कर रहे हैं नेक्स्ट जितने भी वर्ड्स हैं दे विल सिम्बलाइज वॉट आइज क्रुअलिटी भी क्या है आइज जब आप क्रूअल कब होते हो जब आप किसी की फीलिंग्स इमोशंस को समझते नहीं हो तो आप उस तरीके से उसके साथ बिहेव करते हो रूड बिहेव करते हो दैट इज वॉट फॉर तो ये क्या हुआ एक आइस का सिंबलाइजेशन हुआ नेक्स्ट इज वॉट इंटॉलरेंस अगेन कोई चीज टॉलरेट ही नहीं होती तो वो कब नहीं होगी टॉलरेट जब आपको वो चीज सही नहीं लगेगी राइट right? आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो सही है या गलत है तो वहां पे भी क्या हुआ आपने आईज यानी वो हेट्रेड वाली जो फीलिंग है उसको यहाँ सिम्बलाइज किया है नेक्स्ट इज रिजिडिटी सेम चीज इनटॉलरेंट हो किसी चीज के लिए या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े हो गए हो कि हाँ भाई यही सही है जो मैं बोलता हूँ तो दैट इज अ रिजिडिटी मीन्स तो ये भी आइस को सिम्बलाइज करेगी नेक्स्ट इनसेंसिटिविटी कोल्डनेस इनडिफरेंस और हेटरेड तो ये तीनों को तो हम एक साथ बोल सकते हैं इनसेंसिटिव हो किसी के लिए कोल्ड हार्टेड हो किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता या इनडिफरेंस हो ये तीनों ही चीजें क्या सिंबलाइज करती हैं आइस को क्लियर एंड फाइनली हेटरेट तो हमें पता ही है आइस फॉर हेट स्टैंडरेट सो ऑल विल स्टैंड फॉर आइस तो उसे कैसे लिख दोगे आइस स्टैंड फॉर क्रुवालिटी इनटॉलरेंस रिजिडिटी इनसेविटी कोल्डनेस इन एंड हेटरेट क्लियर तो कौन सा वर्ड आइस के लिए कौन सा फायर के लिए स्टैंड करता है वी आर वेरी मच क्लियर विद इट क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन जो कि है क्या है और फिर इस scheme की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है poem में वो आपको बताना है तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम हम देख लेते हैं किस तरीके से हम चेक करते हैं तो ये है हमारी पोएम राइट राइमिंग स्कीम का मतलब क्या होता है जो वर्ड्स राइम कर रहे हो जिनको एक साथ हम साउंड देख पा रहे हैं जैसे अगर मैं बोलू आ, अगर हम बोले पेज और सेज तो पेज एंड सेज देख रहे हो साउंड जो है लास्ट में वो एक जैसा आ रहा है राइट सेम वे में अगर हम बोल रहे हैं फायर और फिर हम बोल रहे हैं डिजायर तो देखो लास्ट का साउंड क्या है सेम है फायर डिजायर तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना जिनका साउंड सेम आता है दैट इज वॉट अ राइम मीन्स ठीक है तो आप क्या करते हो ना जो वर्ड्स आपको सेम लगते हैं उनको एक अल्फाबेट से और जो साउंड्स आपको डिफरेंट लगते हैं उनको दूसरे अल्फाबेट से स्टार्ट करते हो अब पहला जो वर्ड होगा वो डेफिनेटली ए अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाला है ठीक है और फिर अगर इसके बाद जो भी वर्ड है उसका मीनिंग सेम है नेक्स्ट में यानी सॉरी मीनिंग नहीं साउंड सेम है तो वो भी ए हो जाएगा ठीक है और अगर नहीं है सेम साउंड डिफरेंट साउंड है तो उसको आप अल्फाबेट बी या इस तरीके से लिखते हैं हम कि आप अल्फाबेट बी से सिंबलाइज कर दोगे ठीक है तो आप बिगिन किससे करोगे स्मॉल अल्फाबेट ए से और अगर सेम साउंड नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड में भी सुनाई दे रहा है तो वो भी ए हो जाएगा और अगर दूसरा साउंड है तो वो क्या हो जाएगा अल्फाबेट बी सेम वे में अगर ये जो बी का साउंड है वो आपको कहीं भी दिख रहा है तो वो भी बी हो जाएगा एंड अगेन अगर आपको ऐसा कोई साउंड मिलता है जो ना तो एक से मैच कर रहा है ना बी से मैच कर रहा है तो आप इसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट सी रख दोगे ऐसे जा जा के आपकी राइमिंग स्कीम बनती है क्लियर चलिए अब देखते हैं इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है तो पहले आपको वर्ड दिया है फायर तो ये तो हो जाएगा ए यानी फायर र ऐसा कोई साउंड आपको आएगा जो वो क्या हो जाएगा ए नेक्स्ट क्या है आइस फायर और आइस सेम है क्या साउंड नहीं तो ये क्या हो जाएगा बी क्लियर डिजायर अब देखो फायर डिजायर डिजायर का नेक्स्ट इज वॉट फायर अगेन इट इज फायर तो फायर तो, तो क्या है सेम तो यह हो गया सेम तो क्या बन जाएगा ये ए बी ए ए क्लियर नेक्स्ट बट इफ इट है

ट का साउंड आ रहा है ग्रेट में यानी यह सी है तो ग्रेट भी क्या हो जाएगा अल्फाबेट सी नेक्स्ट एंड वुड सफाइस सफाइस किसके साथ जा रहा है आईस के साथ तो यह भी क्या हो गया बी यानी राइमिंग स्कीम क्या हो गई ए बी ए ए फिर क्या है बी सी बी सी बी तो ये हो गई आपकी कंप्लीट राइमिंग स्कीम तो बहुत इजी होता है इस तरीके से आप राइमिंग स्कीम देखते हो क्लियर चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमें किस तरीके से आंसर करना है सो द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए ए बी सी बी सी बी यही थी भाई ए ए बी सी बी सी बी यानी कि पहला जो साउंड था वो नेक्स्ट जो लास्ट की दो लाइन थी स्टैंडा के फर्स्ट स्टैंडा की उसमें रिपीट हो रहा था और जो ये वर्ड बी के लिए था आईज वो रिपीट हुआ था हमारे सेकेंड स्टैंडा के फर्स्ट थर्ड और लास्ट लाइन में क्लियर और क्योंकि ये जो सी और ये सी यानी कि ये जो वर्ड्स थे वो डिफरेंट थे तो हमने वहां पर सी लगा दिया क्लियर इस तरीके से आप राइमिंग स्कीम लिखते हो वेरी इजी तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम आपने मेंशन कर दी एक साथ ए बी ए ए बी सी बी सी बी ठीक है अब ये राइमिंग स्कीम आपको क्या समझा रही है देखो राइमिंग स्कीम का मतलब क्या हुआ कि सेम साउंड वाले वर्ड यानी जो सेम साउंड है वो अपने पहले जो वर्ड जिसका साउंड सेम था उसको रिलेट कर रहा है यानी डिजायर जो वर्ड का साउंड है वो सेम साउंड था एज द वर्ड फायर तो डिजायर और फायर का क्या हुआ राइम और ये राइम ने क्या किया डिजायर और फायर को रिलेट किया क्लियर तो वो क्या हो गया राइमिंग स्कीम यानी राइमिंग स्कीम हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम किस वर्ड को किस वर्ड से लिंक कर रहे हैं आउट द कॉन्ट्रास्टिंग चीजों की बात हुई फायर और आइस अब कोई राइमिंग स्कीम ही नहीं हो तो कैसे पता चलेगा सिग्निफाई कर रहा है आइस किसे सिग्निफाई कर रहा है राइट right? तो यहां राइमिंग स्कीम की मदद से हेल्प ऑफ द राइमिंग स्कीम वी आर एबल टू क्लियर आउट कि भाई कौन से वर्ड्स फायर को और कौन से वर्ड्स आइस को सिग्निफाई कर रहे हैं तो यहाँ जो ये कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं दो अलग अलग आइडियाज हैं फायर और आइस के वो हमें किसकी मदद से पता चल रहे हैं राइमिंग स्कीम के क्लियर ऑल राइट द पोएट मैंशन दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड ऑफ दिस

so both are the probable ends of the world to end he talks about how fire represents desire and therefore can be a cause of end of the world frost also mentions frost means robert frost okay? robert frost also mentions eyes in between to symbolize that the coldness and indifference towards one another will be enough to end the world

To be sure that even destruction through eyes would be sufficient to bring about the end of the world. रॉबर्ट फ्रॉस का कहना है कि भाई मुझे जो है हेट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मैंने देखा है लोगों के बीच में कितना हेटरेट डेवलप हो रहा है कितनी इनसेंसिटिविटी डेवलप हो रही है और इसीलिए आइस भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकते हैं फॉर द वर्ल्ड टू एंड यानी पहले तो रॉबर्ट फ्रॉस फायर को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो डिजायर उनके लिए मेन बोल सकते हो रीजन है फॉर द वर्ल्ड टू एंड बट फिर उन्होंने जब आइस की बात सोची तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने बहुत हेट भी देखा है वर्ल्ड में और जिस वजह से मुझे लगता है कि जो लोग आईस का रीजन देते हैं फॉर द वर्ल्ड टू एंड वो भी सफिशिएंट हो सकता है क्लियर तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे डन ऑलराइट सो वी आर डन विद पोएम फायर एंड आइस यानी हमने पूरा चैप्टर अ लेटर टू गॉड उसमें प्रेजेंट द पोएम्स डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस के बारे में डिस्कशन कर लिया है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं बट क्या यहाँ पे पूरा काम खत्म होता है नहीं अब क्या है अब हमें प्रैक्टिस करनी है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की यानी अगर हमें चैप्टर में से कोई भी पैराग्राफ गिवन हो या पोयम का कोई भी स्टैंजा गिवन हो और उस पर बेस्ड अगर हमें क्वेश्चंस हो तो फिर हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे और बेस्ट थिंग इज ये क्वेश्चंस हम एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी मोर फन क्लियर सेकेंडली हमें जो है लॉन्ग आंसर्स के लिए प्रिपेयर करना है तो फॉर लेटर ऑफ गॉड डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस इन सब के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस क्लियर सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट वेरी सून विद द टॉपिक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन टिल देन टेक केयर ऑफ योर और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग